एक और एपिसोड ऑफ कुछ भी पॉडकास्ट। लास्ट एपिसोड में हमने ना बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज की एड्स रिव्यू करी थी एंड आपने बहुत मजे लिए हमारे उसके कमेंट्स में, मजे आए होंगे आपको। इस बार हमने क्या किया, हमने देखा कि मोदी जी जो है ना इज गिविंग अवे इंटरव्यूज टू एवरी मीडिया आउटलेट आउट देयर एक्सेप्ट ऑफ कोर्स रवीश कुमार, उसको नहीं देते। तो हमने कहा रवीश रवीश तो खुद बाय इटसेल्फ एक इंस्टीट्यूशन है जिसका मोदी जी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो हमने सोचा कि मोदी जी ने इतने इंटरव्यूज दिए तो उसमें से कुछ हाइलाइट्स निकाल के हम आपस में रिएक्ट करके आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो दिस यू विल सी मेनी वीडियोस मल्टीपल न्यूज एजेंसीज का जो उसने किए एंड लेट अस नो व्हाट यू थिंक ऑफ व्हाट वी थिंक ऑफ मोदी जी। उससे पहले मैं मेरा ऐसे ओपन एंडेड सवाल है उन लोगों से कि ये जो ब्लिट्स ऑफ वीडियोस आते हैं मोदी जी के जस्ट बिफोर इलेक्शंस या ड्यूरिंग द इलेक्शन फेज, उस पे क्या ओपिनियन है तुम्हारी? क्योंकि 4-5 साल मोदी जी किसी मीडिया आउटलेट से आज सच बात नहीं करते हैं जिसमें क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट हो। वो कॉन्क्लेव्स में जाके वन साइडेड प्रेजेंटेशंस काफी देते हैं बट क्वेश्चन एंड आंसर तो ये सिर्फ और सिर्फ ये 2 महीने के लिए ही रिजर्व कर रखे हैं। तो मोदी जी का डायरेक्ट कनेक्ट है मेरा, मोदी जी तो मन की बात भी कर लेते, सब कुछ कर लेते। उनका ये है कि उनको कोई मीडिया चैनल्स की जरूरत ही नहीं मोदी जी को। मोदी जी ने ऐसा डायरेक्ट कनेक्ट बना लिया है लोगों के साथ, ठीक है, कि कोई मीडिया जो बीच में आती है ना मीडिया, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती मोदी जी को। वो तो बीच में ये 2 महीने का टाइम रहता है, वो सबको टीआरपी देने के लिए जाते हैं, नहीं तो मोदी जी को इसकी भी जरूरत नहीं है। मेरा तो ये है कि उनका काम चल रहा है इससे, जब मतलब जब गर्लफ्रेंड जो हम है जनता अगर इतने में मान रही है, मैकडोनल्ड्स में मांग रही है, तो उसको क्यों लाइक गोर में खाना खिलाना है? क्या एनालॉजी दी, वाह। नहीं बट इन जनरल चलो मोदी जी की तो सवारी चल रही है इधर, बढ़िया है, कोई बात नहीं। बट इन जनरल एज यंगस्टर्स व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, क्या बैलेंस होना चाहिए बिटवीन अस एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री? शुड ही डू दिस मोर ऑफन? शुड इट मोदी जी को ट्विटर स्पेसेस कर देते हैं वीकली? नहीं वीकली तो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ क्वार्टरली ना ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जानी चाहिए, ओपन टू ऑल। आओ आपके पास प्रेस वाला वो है, आओ बैठो, सवाल पूछो। एटलीस्ट साल में 4 बार ये कर लेना चाहिए एंड प्राइम मिनिस्टर को खुद आके कर लेना चाहिए, साथ में अपने 2 मिनिस्टर बिठा लो बेशक, बट ही शुड बी प्रेजेंट हिमसेल्फ। क्योंकि अभी एक तरफ हम देखें तो द डायरेक्शन दैट मोदी सीम्स टू बी टेकिंग इज कि आई एम द होल सोल फिगर प्रेसिडेंशियल काइंड ऑफ इलेक्शन फॉर्मेट, ठीक है। एंड इसका जब जो डायरेक्ट बैलेंस देखे तो वेस्टर्न कंट्रीज में जहां जहां ऐसा है वहां पे जो आपका हेड ऑफ स्टेट है वो फ्रीक्वेंटली मीडिया के साथ वन ऑन वन इंटरेक्शन करता है। यहाँ पे द हेड ऑफ स्टेट इज पुट इन अ स्पॉट फायर्ड सीरियस जेन्युइन क्वेश्चंस जो उस मोमेंट से रिलेटेड होते हैं या उस सिचुएशन से रिलेटेड होते हैं एंड उसको इन दैट मोमेंट आंसर करना पड़ता है। तो वो उस टाइप का कॉन्वर्सेशन नहीं हो रहा है हमारे वहां। एंड इन फैक्ट अभी हमारे कुछ रिटायर्ड जजेस ने एन राम के साथ एक वो करा था, लाइक ओपन इनविटेशन दिया था टू राहुल गांधी एंड नरेंद्र मोदी कि आओ वी विल होस्ट अ डिबेट फॉर यू। ये 2-3 रिटायर्ड जजेस ने कहा अभी रिसेंटली, ओपन लेटर दोनों को भेजा, ओके, है ना। तो उस पे काफी बीजेपी वाले ऐसे एंग्स्ट आ गए कि भाई राहुल गांधी कौन है, कोई पार्टी प्रेसिडेंट थोड़ी है या कोई पीएम कैंडिडेट थोड़ी है कि हम ऐसे ही पीएम को उसके साथ बिठा देंगे डिबेट करने के लिए। भाई फर्स्ट फैमिली है, मोदी खुद रेफर करता है ना अपने हर इंटरव्यू, हर स्पीच साहिबजादा ही करते हैं, तो बात करो साहिबजादा से। अगर इंपॉर्टेंट नहीं है राहुल गांधी तो मोदी अपनी हर स्पीच में क्यों नाम लेता है उसका? हाँ बट ये मोदी का वर्ड नहीं है ना, ये उसके सपोर्टर्स कह रहे हैं। क्या हिपोक्रेसी, मोदी को फ्लिप फ्लॉप में कोई दिक्कत ही नहीं है, मोदी ने कभी जूते पहने ही नहीं है, मोदी हमेशा फ्लिप फ्लॉप में चला। मोदी यहाँ मोदी का फ्लिप फ्लॉप ना, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। नहीं मोदी का फ्लिप फ्लॉप नहीं है कि जब जब कन्वीनियंट हो तब वो इररिलेवेंट है और जब कन्वीनियंट हो तो वो सब कुछ है। और क्या इससे बड़ा फ्लिप फ्लॉप और क्या होंगे, मतलब और भी हो सकते हैं इससे बड़े बड़े, बट ये भी फ्लिप फ्लॉप ही तो है मोदी का। नहीं मेरे हिसाब से तो मोदी ये कभी कहीं मतलब सिर्फ वर्बली ये स्टेटमेंट देता है कि इररिलेवेंट है, बट मोदी के एक्शंस और मोदी की वर्डिंग से मेरे को कभी नहीं लगता कि राहुल गांधी इनसिग्निफिकेंट है। आई थिंक ही इज अ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द एंटायर प्ले फॉर देम। अरे बट जो सकू कह रहा है उससे वो तेरी बात थोड़ी मैच्योरेबल, सकू तो ये कह रहा है ना कि एंड मैं तो कहता हूँ मोदी अगर ये डिबेट वाला ऑफर ले ले ना
तो ही माइट कम आउट ऑन टॉप ओनली, हाईली लाइकली, अनलाइकली. हां बट लेट्स हियर फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ. हाईली लाइकली. हां मैं भी यही. लेट्स हियर फ्रॉम हॉर्सेस माउथ. तो फिर लेट्स डाइव इनटू इंटरव्यू जजिंग प्रोसेस. हां मोदी जी साउथ पे गए थे, शांति टीवी करके साउथ में गए थे, एक तमिल चैनल को उन्होंने एकदम काफी इन डेप्थ इंटरव्यू दिया था. ये मैंने देखा इंटरव्यू पूरा. तो सबसे ज्यादा सबसे पहली जो पेक्यूलियर चीज जंप करती है वो ये है कि लाइक मोदी जी इंटरव्यूअर्स हिंदी अनकंफर्टेबल हैं और मोदी जी को इंग्लिश नहीं आती और तमिल नहीं आती, तो वो इंग्लिश में क्वेश्चन पूछते हैं, मोदी जी हिंदी में आंसर देते हैं पूरे थ्रू आउट. और उनकी स्टार्टिंग ही यहाँ से होती है, इतनी एपिक एंट्री से ना. ये देखो मोदी जी की एपिक एंट्री. स्लो मोशन. मोदी जी ने क्या कहा? व्हाट्सएप इन तमिल. तेरा कौन मामा? वणक्कम प्राइम मिनिस्टर. எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். You look so pretty in this vesti. I am feeling very embarrassed. वो देख यार, मतलब क्रिंज ऑकवर्ड साइलेंसेस आएंगी बीच बीच में, अनकंफर्टेबल लाफ्स. Prime Minister, you have exhibited a great penchant for Tamil culture, unlike most. आपने मेरे कपड़े नोटिस किए इसलिए congratulations. आपने मेरे कपड़े नोटिस किए इसलिए मैं आपको बधाई देता हूँ. You can see. इसके बाद ये कुछ कुछ starting small talk करते हैं, फिर पांच पांच पे आते हैं. पांच पांच पे मोदी जी से पूछा जाता है कि तमिलनाडु में बेस्ट क्या लगता है आपको. वाकई मैंने जिस काम के लिए हम चले थे तो प्रेरक. तो मोदी जी अपने पुरानी एकता यात्रा को रेमिनिस करते हुए कह रहे हैं ऐसे. जब हमारी एकता यात्रा जा रही थी तो एक खेत में व्यक्ति चिल्ला रहा था. उसने लंगोटी भर पहना हुआ था, वो खेत में काम कर रहा था. ऐसे रोको रोको रोको, हमें लगा कुछ शायद, तो हमने भी हमारा कॉन्वॉय रोका. वो आया, उसको ज्यादा समझ नहीं आता था बोलना, लेकिन उसने मेरे हाथ में 11 रुपये दिए. और रोने वाले क्या मोदी जी? बस रोक लिया, यूं रोका है मोदी जी ने अपने आप को रोने से. यहाँ पे भावुक हो गए थे मोदी जी इस इंटरव्यू में, काफी बार भावुक हुए, 3-4 बार देखा मैंने. 2-3 बार तक तो एडिटर ने भी कोशिश करी कि हाँ क्लोजअप में दिखाऊं मैं, बट फिर उसके बाद एडिटर को भी लगा कि अगर कुछ ज्यादा ही रो रहे हैं, तो 1-2 बार बाद वाले रोने में एडिटर ने भी वाइड शॉट ले लिया. ऑस्कर कहाँ है मोदी जी का? आ रहा है बस, भारत रत्न के साथ ही मिलेगा जब ये रिटायर होंगे. फिर 6:40 पे ये जेन्युइन बात करते हैं, लाइक ऐसे कि ठीक बात लैंग्वेज से शुरू होना बहुत स्वाभाविक. ये तो सब जाएगा कि उनको तमिलनाडु में क्या पसंद है. नहीं वो सॉरी ये क्वेश्चन मैंने गलत बोला, ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि मेमोरी क्या आपकी तमिलनाडु के साथ, क्या मेमोरी है, आपसे पहले लोग आते नहीं थे इधर, तो फिर वो अपनी यात्रा के बारे में बताते हैं. और बाद में तो वो उनको पोंगल पसंद है ऐसा बता दिया था मोदी जी ने, उपमा और पोंगल पसंद है इडली डोसा के कंपैरेटिव. तो यहाँ पे लेकिन उन्होंने सही बात करी थी. एक तो मेरे मन में गुस्सा है बहुत, गुस्सा इस बात का है कि हम ही लोगों ने इतनी महान विरासत के साथ अन्याय किया है. कैसे? कहीं पर डायनासोर का अंडा मिल जाए तो पूरा देश नाचता है. भारत के पास हजारों साल पुरानी दुनिया की सबसे समृद्ध लैंग्वेज है, लेकिन हम सीना पान के दुनिया को कहते नहीं है. वो अभी जीवित भी है, इट्स अ लिविंग लैंग्वेज. कहते तो देख अभी तो लास्ट मोमेंट तो उसने उसको आंखों आंखों से कह दिया कि बेटी बैठ जा मैं बात कर रहा हूं. नहीं है, हमने क्यों इसको इस प्रकार से सिकुड़ कर रखा है?
ये तो भाई जेन्युइन बात है कि लाइक हम तमिल को उतना प्रमोट नहीं करते पॉलिटिक्स में कुछ की वजह से, है ना। बट सही बात है मोदी जी बार बार इस इंटरव्यू में इंटरव्यूअर्स को दिखा देते हैं अपनी अपनी अपना प्लेस यहाँ पे, कि हाँ कि मतलब जो कहा जाए उतना ही करो, ना तुम ज्यादा मेरी ना गोदी कम। लायक ही हो, ठीक है। हाँ, खरोचे मत मारने की कोशिश करना। प्राइम मिनिस्टर, डिस्पाइट योर बेस्ट एफर्ट्स ऑन द पॉलिटिकल फ्रंट, तमिलनाडु रिमेन्स अ वेरी टफ नट फॉर यू टू क्रैक। व्हाई डू यू थिंक सो, एंड डू यू सी दैट चेंजिंग इन दिस कमिंग इलेक्शन? ये सवाल ज्यादातर मीडिया के लोगों के मन में क्या होता है, तो माफ करना मैं आपकी भी आलोचना करूंगा, आप ही के टीवी के सामने करूंगा, बुरा मत मानना। दुर्भाग्य है कि हम घिसी पिटी जो थियरी लेके हैं उसी को लेके चलते हैं और सवाल भी उसी के आसपास करते हैं। क्या हर इसमें क्या मैं राजनीति में हूं इसलिए हर काम राजनीति के लिए करूंगा? तमिलनाडु क्रैक नहीं हो रहा बीजेपी से, ये तो रियलिटी घिसी नहीं, पिटी थियरी थोड़ी है। बकवास मत कर, मोदी हाथ जी ने में बोल दिया, जाने। नाउ इट इज अ घिसी पिटी थियरी। हाँ, माफ करना, आपकी आलोचना करूंगा आपके ही प्लेटफॉर्म पे। आपकी आलोचना, आपके पास सीट नहीं है तो मैं आपको क्रिटिसाइज करता हूँ। हाउ डेयर यू आस्क मी व्हाई आई डोंट हैव सीट्स इन तमिलनाडु। ये घिसी पिटी थ्योरी मत लेके आओ हमारे आगे, ये तुम्हारा माइंडसेट आगे गलत है। थोड़ी नंबर ऑफ सीट्स इज अ स्टेट ऑफ माइंड। कि क्वेश्चन पूछने चाहिए थे गुजरात और राजस्थान पे, कि वहां पे 26 आउट ऑफ 26, 25 आउट ऑफ 25 क्यों, ये तमिलनाडु का क्यों पूछे कि जीरो जहां पे है। बिल्कुल बायस है मीडिया। हाँ, मीडिया ही बायस है। हाँ, और तमिल मीडिया है ना ये, तो फिर भी तमिल से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, हाउ स्टूपिड ऑफ देम। आगे देखें लाइक थोड़ा इस इंटरव्यू में बस आगे आगे अन्नामलाई को थोड़ा ग्लेज अप करेगा ये, उसके बाद इंटरव्यूअर एक बहुत ही यहाँ पे थोड़ा सा वो पूछ लिया तो इंटरव्यूअर औकात में आके अब अपना बढ़िया सा एक ले अप देगा मोदी जी को, कि ये लो मोदी जी सेट कर दिया है, मारो। प्रो बीजेपी वाली बोल प्रो एनडीए लोगों का मूड बना है। प्राइम मिनिस्टर, लेट्स टॉक अबाउट एन इवेंट दैट कंटिन्यूज टू हैव इट्स रिवर्बरेशंस टिल टुडे, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा। व्हाट थॉट्स क्रॉस्ड योर माइंड व्हेन यू फर्स्ट एंटर्ड द श्राइन and you perform the first aarti to Ramlala? बहुत ही बड़ा, how is this relevant to this सवाल आपने, रुक जवाबक सवाल है, how is this relevant to this election? अच्छा, अबे भावुक सवाल पूछा है उसने, भावुक ना पूछा है भाई, अभी चलाते हैं। भावुक टॉपिक छू के आएंगे। देखिए, जिस समय मुझे अयोध्या के इस ट्रस्ट के ट्रस्टियों ने आकर के निमंत्रण दिया, प्राइम मिनिस्टर को बहुत निमंत्रण आते हैं, लेकिन इस निमंत्रण ने मुझे जगदोल दिया। तो ये नोटिस किया कि मोदी जी आजकल किसी किसी वर्ड के साथ लटपटा रहे हैं बोलने में, वो पूरा क्लियरली नहीं बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा हो रहा है ये। जो बाइडेनाइजेशन हो रही है क्या मोदी जी की? मोदी जी उधर बढ़ तो रहे हैं लेकिन अभी भी एज डिफरेंस है, अभी झकझोर दिया को भी ऐसे फिर भी अलग जनरेशन का निकले हैं, मनमोहनाइजेशन हो रही है। नहीं, बोलना का गान कम किया है, बस तुतला रहे हैं। निमंत्रण मिला तब से मैं एक प्रकार से उस स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट में डूबता गया। मेरे पास शब्द तो है नहीं कि मैं इसका वर्णन कर सकूं, और जो बड़े विज्ञान और अध्यात्म को दुश्मन मानते हैं एक दूसरे का, उन लोगों के लिए हो सकता है मेरी बातें बहुत बड़ा मजाक का एक हथियार भी बन जाए, लेकिन मैं कुछ और अनुभव करने लगा और लगकर वाइब फील करने लगा। उसके बाद मैंने एक तय किया कि मैं 11 दिन का अनुष्ठान करूंगा, उसमें भी मैंने तय किया कि मैं ये अनुष्ठान खास करके दक्षिण में प्रभु राम जी के साथ जुड़े हुए जितने स्थान है वहां पर समय बिताऊंगा, पार्टी का भी काम करूंगा, सरकार भी काम करूंगा, लेकिन मेरा बाकी समय में अपना स्पिरिचुअल एक्टिविटी। दक्षिण में करने का कोई रीजन था क्या? दक्षिण में इलेक्शन होने वाले थे क्या, कुछ ऐसा है क्या? फर्स्ट चरण पता नहीं, मेरे को तो नहीं था, नहीं मेरे को तो ऐसे स्पिरिचुअल जर्नी में तो ऐसे इलेक्शन वगैरह नहीं दिमाग में आओगे मोदी जी के, पर ठीक है। अब मोदी जी ऐसे कई देर तक राम जी के बारे में गुणगान करेंगे और मैं कितना बड़ा भक्त हूं बताएंगे, फिर मोदी जी यहां से पे क्वेश्चन पूछा जाता है मोदी जी से,
मतलब आप जो बोलते हैं ना कि टफ सवाल नहीं पूछते, ठीक से सवाल पूछता है, द बट फिर अपोजिशन अक्यूजेशन इज यू फॉलो फाइंड दीस इवेंट्स वेरी मोदी जी अपना कुछ भी बोल के निकल जाते हैं, कोई फॉलो अप ही नहीं होता। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, मेरा अभी तक सवाल नहीं है ये लड़की क्यों बिठा रहे, क्या सवाल है तेरा? ये लड़की क्यों बिठा रखी है? हाँ बता नहीं भाई, मतलब सकू ने जितने क्लिप्स दिखाए उसमें तो कुछ ही नहीं कंट्रीब्यूट कर रही, सिलेक्टिव है सकू, कुछ ही नहीं कंट्रीब्यूट, सिलेक्टिव है मोदी जी को देखियो अभी देखियो किसको नहीं होगा प्यार ये बताना, मोदी जी को नहीं होगा प्यार, एडमिरेशन उसके आधार पर ये देखिए उसको देखा भाई यार वो चली गई। तो मोदी जी से सवाल पूछा जाता है कि आप तो इतने टाइम मतलब ये सारे राम मंदिर वगैरह इलेक्शन के टाइम क्यों बन रहे हैं आपके, मंदिर बनना शुरू हुआ, बनाने वाले लोग अलग है, ट्रस्ट अलग है, तो हो सकता है कि समय ईश्वर ने ही तय किया होगा, वरना उसी समय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आना, उसके बाद कंस्ट्रक्शन शुरू होना, उसके बाद रामलला जी का उनका प्राण प्रतिष्ठा होना, इसमें तो किसी मनुष्य का रोल ही नहीं दिखता है, क्योंकि क्रमिक हो रहा है एक के बाद, जिसने जजमेंट दिया होगा उसको भी मालूम नहीं होगा 2024 के चुनाव के पहले मामला खड़ा हो जाएगा। सर डीएमके और अपोजिशन ने तमिलनाडु में ए बी कोई डाउट है कि इनकंप्लीट टेंपल के इनॉग्रेशन वाज नॉट गॉड्स आस्किंग, हां और तो तुम्हारे कि पूरा मंदिर खत्म होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, ये बोल के निकल जाते हैं, इनसे कोई फॉलो अप नहीं पूछता कि क्यों इनकंप्लीट मंदिर में क्यों कर रहे थे, और फिर आगे और इसके बाद इस टफ सवाल के बाद ये अगला टफ सवाल भी आएगा। लेट मी आस्क अबाउट matter that touched a lot of people. Prime Minister, you have been a loving son. You have made your mother very proud. When she passed away, you returned to work few hours after the funeral. Prime Minister Narendra Modi would have been in conflict with son Narendra Modi. Why did you prioritize work over grief? Why did Prime Minister Narendra Modi prevail over son Modi? Iski credit Modi ko nahi jaati hai. Uski credit bete ko bhi nahi jaati hai. Uski sari credit us maa ko jaati hai. जिसने हमें बनाया। आपको उदाहरण देता हूं, उनके जब 100 साल हुए तो मैं माँ से मिलने गया, तो समा जन्मदिन था, तो मैंने माँ से मिला तो पहला समय क्या था, क्यों भाई काम छोड़ के आए हो क्या? मोदी जी फिर भावुक हो गए थे, अब एडिटर ने वाइड कर दिया है भाई, आंटी अभी क्वेश्चन पूछने वाली लगता है। सो एज द मोस्ट सक्सेसफुल पॉलिटिशियन इन द कंट्री सर, कांग्रेस पार्टी के लिए ये देख अब इसने सवाल टफ सवाल मोदी से ये पूछा है कि कांग्रेस को कुछ सजेशंस दे दो, कुछ उपाय बता सकते हो? ऐसा है कि एक तो मैं अपने आप को बिस्मार्क का नहीं मानता हूं जो किसी को सलाह देता फिरे या उपदेश देता फिरे, लेकिन जितनी मेरी राजनीतिक विद्यार्थी के नाते समझ है, कांग्रेस के अंदर भी, मेरे को ये पार्ट सबसे ज्यादा क्रेजी लगा था कि मैं अपने आप को 30 मार का नहीं समझता हूँ जो सलाह देता फिरे, यही था इस वीडियो में तो यही था, बाकी बिल्कुल क्रिंज फेस्ट भरा हुआ, मतलब फालतू वर्ड्स जम्बो जम्बो। तो क्या लगता है इफ यू वर तमिल रेजिडेंट जो ये वीडियो देखता है थांती टीवी पे, तो व्हाट डू यू थिंक, लाइक वुड यू वोट फॉर मोदी जी आफ्टर दिस? हो चुका, मुझे समझ ही नहीं आएगा, मुझे समझ ही नहीं आएगा, हम पुराना वीडियो देख, हाँ इफ आई एम तमिल मुझे समझ नहीं आएगा। हाँ तो न्यूज 18 वाला एक वीडियो था, ठीक है, मोदी जी ने किया था, तो उसमें ना मैंने कुछ क्लिप्स काटी है आप लोगों के लिए। सबसे पहले आ जाते हैं, ये एक सेंट्रल इंटरव्यूअर था जो नेशनल सवाल पूछ रहा था, एक कर्नाटका स्पेसिफिक इंटरव्यूअर था और एक महाराष्ट्र स्पेसिफिक इंटरव्यूअर था, तो मोदी जी ने ये भी कहा कि थैंक यू कि तुम ये लोग ले आए, वरना मुझे इन दोनों को सेपरेट इंटरव्यू देने पड़ते। इसमें हम मतलब हम में से किसी ने वो कवर नहीं किया है आज के वीडियो के लिए, TV9 का अगर तुम देखोगे तो उसमें तो 6 या 7 लोग बैठे हुए थे। न्यूज 18 तो अंबानी का है ना, न्यूज 18 अंबानी का है ना? हाँ न्यूज 18 अंबानी का, यस। चला दूं क्या फिर? तो नल से जल चला है। अब ये सारे काम है, 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर ऐसे ही नहीं आए जी,
हमने उनको इतना सशक्त बनाया और मेरी स्ट्रेटेजी यही है कि हम गरीब को इतनी ताकत दें कि गरीब खुद गरीबी को परास्त करे। और जब गरीब अपने मेहनत से गरीबी को परास्त करता है ना, उसके बाद उसको गरीबी में वापस नहीं जाना ये संकल्प बन जाता है और वो देश की शक्ति बन जाता है। आज हमें फायदा है 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए, बहुत बड़ा अचीवमेंट है जी, दुनिया इसकी तारीफ कर रही है जी। और ये एक मॉडल बनेगा जी। ये भाई ये जो बीच वाला बताइए तो अभी दिख रहा है स्क्रीन पे, हाँ। ये काफी ओबीडियंस के साथ नहीं सुन रहा है। एटलीस्ट इंडिया में तो ऐसा मुश्किल ही मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप प्राइम मिनिस्टर के सामने बैठोगे, इवन पीपल हु आर ऑन द अदर साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम वो भी बैठ के ध्यान से तो सुनेंगे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दैट इंटरव्यू। सही बात, बट मोदी जी ने कह दिया कि भाई हमने लोगों को ऐसे सशक्त किया कि वो खुद गरीबी से निकले, तो खुद निकलेंगे तो उनको वापस जाना ही नहीं होगा। इतना स्मार्ट मूव था मोदी जी का, ये तो काफी स्मार्ट था। एक तो हमने ये देखा गरीबी को देयर लाइक यू अब नहीं जीत रहा ना, उधर अब मोदी जी ने हमें उधर की तरफ उधर भेज दिया, मैंने तुम्हें एनेबल कर दिया ना। अब मैं तुमको दिखाता हूँ, इसने ना थोड़ा मीडिया को ही टारगेट किया सामने जो इसके बैठी है। अरे मीडिया टारगेटिंग क्या चल रहा है, यहाँ बढ़ना चाहता हूँ देश को लेकर के, दोनों मीडिया की ऐसी टेस्टिंग कर रहे हैं। कांग्रेस का जहां तक मैनिफेस्टो है, कोई मुझे बताए क्या चुनाव के अंदर पॉलिटिकल पार्टियों के मैनिफेस्टो ये कोई शोपीस के लिए होते हैं क्या? सचमुच में तो मीडिया का काम है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो की बारीकी से जांच पड़ताल करे। मैं इंतजार कर रहा था कि मीडिया करे, वी डिड इट। पहले दिन मैंने एक कमेंट तो कर दिया था जी, मैं कोई आज कर नहीं रहा जी, कि भाई मुझे मैनिफेस्टो देख करके लगता है कि इस पर पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है, तो मुझे लगा कि मीडिया भाई मोदी जी तो बोर्ड हो गए, बहुत घटिया मैनिफेस्टो था, पढ़ा मोदी जी ने पॉइंट टू पॉइंट कांग्रेस का। हाँ, पहले दिन मोदी जी ने बोले मुस्लिम लीग है तो इससे सारी मीडिया ट्रिगर हो जानी चाहिए, बट हो ही नहीं रही। मुझे खुद से झूठ बनाने पड़ गए। हाँ। चौंक जाएगा जो एनालिसिस करने वाले, चौंक जाएंगे, लेकिन पता नहीं अब उनकी व्यस्तता कुछ और है। मैनिफेस्टो में उनकी तरफ से जो परोसा गया उतना ही गुड़ी गुड़ी उछालते रहे। फिर मुझे लगता भी ये तो इकोसिस्टम का बड़ा मिली बगैर लगता है। अब मुझे सच्चाई लेकर जाना पड़ेगा। मैंने काफी 10 दिन इंतजार किया कि देश इस मैनिफेस्टो में जो बुराइयां हैं उसको कोई न कोई क्योंकि निष्पक्ष तरीके से आता है तो अच्छा है। आखिरकार मुझे मजबूरन ये सच्चाइयां लेकर के आनी पड़ी। गाइस मैं मजबूर हो गया हूं, तुम लोग कवर ही नहीं कर रहे हो, कांग्रेस को कवर करो। हम कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल देते हैं पीएम पे। बट टू बी गाइस, अगर आपको दोनों मैनिफेस्टो बीजेपी एंड कांग्रेस का इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए, चेक आउट आवर चैनल, यहां ऊपर आपको दोनों की लिंक्स मिल जाएंगे। मोदी जी का काम हमने किया है। इन सारे इंटरव्यूज के साथ जो प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि मोदी इज समवेयर बिटवीन बीइंग द प्राइम मिनिस्टर एंड आल्सो बीइंग अ हार्डकोर पॉलिटिशियन। अभी जैसे ये वाला जो सेक्शन तूने सुनवाया, ही स्टार्टेड ऑफ विद अ फेयर पॉइंट कि द मीडिया शुड स्क्रूटिनाइज द मैनिफेस्टोज ऑफ ईच पार्टी एंड क्वेश्चन गवर्नमेंट बनने के बाद कि भाई तुमने ये प्रॉमिस किया था 5 साल पहले, उसके बाद क्या हुआ। दिस इज समथिंग ऑल ऑफ अस हैव रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स हमारे वीडियोस में कि वो कहाँ पे है, इवैल्यूएशन कहाँ पे है कि काम हुआ नहीं, एंड देन अचानक से उसने पिवट लेके ये मुस्लिम लीग और ये सब करने लग जाते हैं ना, तो देन ही लूजेस कनेक्ट विद मी। सही बात, इसी को थोड़ा आगे सुनते हैं। आप देखिए साहब, अब उनके एक महाशय ने अमेरिका में इंटरव्यू दे दिया जी, इनहेरिटेंस टैक्स, तो इनहेरिटेंस टैक्स की बात ले आए, 55% टैक्स आपकी प्रॉपर्टी। अब मैं विकास और विरासत की बात कर रहा हूँ, ये विरासत को लूटने की बात करते हैं, तो मैं और वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, और उनके आज तक का इतिहास है वो करेंगे क्या? तो फिर मेरी जिम्मेवारी, इट्स अ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं देशवासियों को बताऊँ कि भाई ये इस दिशा में ले जा रहे हैं, अब आप तय कीजिए। ये एक मेरा इधर सवाल है कि when Sam Pitroda said what he said and उसके बाद BJP started questioning कि they want to do wealth redistribution, कांग्रेस की तरफ से जो डिफेंस आया था वो ये था कि हमारे मैनिफेस्टो में तो ऐसा कहीं लिखा ही नहीं। मुझे ऐसा याद आ रहा है कि
एग्जैक्ट ये वर्ड्स नहीं थे बट इस थीम पे कुछ लिखा हुआ था मैनिफेस्टो में जब हम पढ़ रहे थे, तो मेरे को सोशल इकोनॉमिक सर्वे होगा। हाँ सोशल इकोनॉमिक सर्वे होगा हाँ, एंड जॉब्स के मामले में उन्होंने स्पेशली कहा था, वेल्थ के मामले में उन्होंने नहीं कहा था। वेल्थ के मामले तो नहीं कहा था करेंगे। मतलब ये सेम चीज तो बीजेपी के लोगों ने भी कही थी ना, इनहेरिटेंस टैक्स वाली बातें तो बीजेपी के लोगों ने भी कह रखी है। जयंत सिन्हा अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब इन्होंने कहा एक और, मोदी जी ने ऐसे डरा दिया, तो मोदी जी की पूरी स्ट्रेटेजी ये रही जो कांग्रेस करना चाहती है उससे तुम डर जाओ। तो अब ये वाला हिस्सा सुनो, यहाँ पे ही सेज कि कांग्रेस आएगी ना तो स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, मैं लाऊंगा स्टेबिलिटी। ये पार्ट सुनो, उनके यहाँ राजस्थान में पार्टी के अंदर आंतरिक संघर्ष था, दोनों फॉर्मूला बनाई, ढाई ढाई साल मुख्यमंत्री की, ढाई साल एक मुख्यमंत्री रहेंगे, ढाई साल दूसरे में, ये राजस्थान में फॉर्मूला बनाई थी, नॉन फॉर्मूला है। छत्तीसगढ़ में ऐसा उनकी पार्टी के भीतर झगड़ा हुआ तो वहाँ भी उन्होंने फॉर्मूला बनाई कि ढाई साल एक ढाई साल दूसरा, और उन्होंने मामला संभाल करके गाड़ी चलाई। और ये भी सच्चाई है कि ढाई साल के बाद वो मुकर गए जी, यानी खुद की पार्टी के साथ धोखा किया, खुद की पार्टी के अंदर उन्हें धोखा करने की उनकी प्रवृत्ति वो तो। इसका मतलब ऐसी फॉर्मूला कांग्रेस के दिमाग में होना ये प्रूवन है उसमें, और मैंने अभी कहीं मीडिया में मैंने प्रूव कर दिया यहाँ से, इनकी कोई छोटी सी मीटिंग हुई थी मीडिया में पढ़ा मैंने, और उसमें ये कहा कि भाई अब आज के स्थिति जब मोदी बार बार पूछ रहा है भाई इतना बड़ा देश किसको सुपुर्द करे, आपका नाम तो होना चाहिए ना, इतना बड़ा आप किसी का नाम दीजिए, कोई तो नाम देना पड़ेगा ना। अरे क्रिकेट की टीम होती वो भी कैप्टन बताती है, कबड्डी की टीम होती है वो भी कैप्टन बताती है, भाई आप बता नहीं रहे हो कि इतना बड़ा देश दे किसको। और तब जाकर फिर उन्होंने कोई ऐसे फॉर्मूला बनाई है कि भाई वन ईयर वन पीएम फॉर्मूला, अब एक पीएम एक साल रहेगा। तो जब हम कर्नाटक इलेक्शन लड़ते हैं बिना सीएम फेस के तो हमें कैप्टन की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास सुपर कैप्टन है, सुपर कैप्टन है। नहीं इसमें ये बात नहीं कह रहे कि पीएम फेस के बिना जा रहे, इसमें ये कह रहे कि तुम लोग इतने साढ़े सात में लड़ रहे हो तब मेरे को क्लियरिफिकेशन चाहिए कि कौन है तुम्हारा लीडर सामने से, तो मत कह देना मेरे को कि ये कंसिस्टेंट हिपोक्रेसी है, ये कंसिस्टेंट हिपोक्रेसी है बीजेपी की तरफ से कि आज में जब भी कभी कोई स्टेट इलेक्शन या सेंटर इलेक्शन ऐसा हुआ है जहाँ पे ऑपोजिशन की तरफ से एक सिंगल फेस नहीं नॉमिनेट होता है तो ये लोग कहते हैं कि भाई तुम्हारे पास तो वो ही नहीं है। अभी तीन स्टेट जीते ये लोग, कर्नाटक क्या तीनों के तीनों स्टेट अभी जीते हैं यहाँ पे, तो उसमें भी कहा कोई नहीं बनाऊं। महाराष्ट्र इलेक्शन हुआ था तो इनको पता था कि फडणवीस को ही बनाना है इनको फ्यूचर में, यूपी इलेक्शन जब ये लड़ रहे थे तो इनको पता था योगी को ही बनाना है, तो वहां पे इन्होंने नाम दे दिए थे तो देखिए अब टास्किंग के तुम तो बताओ तुम तो बताओ तुम तो बताओ, और जब खुद नहीं बताते। और अभी इसने ना आगे कटाक्ष किया थोड़ा, ये वन ईयर वन पीएम पॉलिसी पूरी नई सरकार राजस्थान, तो फिर राजस्थान छत्तीसगढ़ की बात कर रहा है, लाइक उत्तराखंड में नहीं सीएम चेंज किया, हरियाणा में नहीं सीएम चेंज किया, समारोह करते रहेंगे पांच हरियाणा में तो चेंज किया, और देश संकट समारोह में उलझता रहेगा, शपथ समारोह में उलझते रहेंगे। अब कोई देश ऐसे चल सकता, इतना बड़ा देश, देश में 30 साल तक अस्थिरता दे। देख अगर वो ये क्वेश्चन कर रहे हैं, यू विल बी वेस्टिंग टाइम ओथ सेरेमनीज, इफ यू विल बी वेस्टिंग टाइम इन ओथ सेरेमनीज तो यू हैव डन द सेम इन द पास्ट, भले ही तुम्हारी अंदर की पार्टी का था वो अलग अलग पार्टी में हो या तुम्हारी पार्टी में हो, टाइम वेस्ट तो जनता का हो ही रहा है। देखी है मिली जुली सरकारों का दौर देखा है, आज दुनिया में भारत के प्रति विश्वास बढ़ा है, उसका कारण भारत के 140 करोड़ लोगों ने एक स्थिर मजबूत स्पष्ट बहुमत वाली सरकार बनाई, तो कोई भी भरोसा करेगा भाई हाँ जी इस सरकार के पास मैंडेट है, मिलीजुली सरकार पर कोई भरोसा ही नहीं करता। फेयर पॉइंट, और इतना बड़ा देश ऐसे थोड़ा चल सकता है। लेकिन आज देश की राजनीति ऐसी है कि कोई एक पार्टी कितने ही बहुमत से क्यों न जीते उसने रीजनल एस्पिरेशंस को ऑनर करना ही होगा, और इसलिए
हमें पूर्ण बहुमत मिला फिर भी हम सरकार एनडीए की बनाते हैं, एनडीए के साथियों को लेकर के बनाते हैं, क्योंकि तो बस यही पॉइंट था कि हम तो सबको इंक्लूड करके चलते हैं, इवन दो वी कैन इफ वी वांट टू, हम फुल मेजोरिटी से अपनी पास सरकार बना देते, बट नहीं, हमने वादा कर दिया। एक तो ये वाला शॉट जो दोनों इंटरव्यूअर्स के बीच में कैमरा घुसा है ना, क्या शॉट है ये। शॉट तो तगड़ा है, देख तभी वो एसएसटी होके बैठे हैं, इंटरव्यू बिल्कुल एसएसटी होके बैठे हैं, कैमरा अच्छे तो महल नहीं से। मोदी जी से भी इंटरव्यू नहीं किया, कैमरा डायरेक्शन भी दे रहे होंगे भाई कि ये रहा अभी वाला लो। हाँ। एक टॉप एंगल कैमरा, अगर तुम नोटिस करो बीच में एकदम टॉप एंगल आ जाता है, वो तीन इधर और एक इधर, वो भी बड़ा मस्त एंगल लगा था मेरे। चलो एक भाई आगे, फिर थोड़ा सा तू बोल, सिनेमैटिक की बात कर रहा है ना, एएनआई के इंटरव्यू में ऐसे ही एक सिनेमैटिक व्यू लेते रहे भाई, ऐसे ज्यादा करके दो तीन फ्रेम ऐसे करके भाई, बहुत ही तगड़ा तगड़ा फ्रेम, ड्रोन नहीं उड़ाएगा किसी ने। अच्छा चलो, फिर तो ये न्यूज 18 पीछे रह गया, स्टैटिक कैम्स ही इनके पास तो। ऑपोजिशन आप पे इल्जाम लगाती है ना, इस पे उसने देखियो क्या रिप्लाई किया। 2014 में इनके पास ईडी थी, इनके पास सीबीआई थी, तो हार क्यों गए भाई? मेरे होम मिनिस्टर तक को जेल में डाल दिया था, तो हार क्यों गए वो? अगर ईडी सीबीआई से चुनाव जीते जाते तो ईडी सीबीआई का काम तो इतने सालों तक तो कांग्रेस ने किया है, वो जीत जाते जी। और इतना बड़ा देश, एक म्यूनसिपालिटी का चुनाव फिक्स नहीं कर सकते भाई, जरा करके देखो, जरा करके देखो, मैनेज कर रहा था चंडीगढ़ में। ओ भाई, जरा करके देखो, इज क्रेजी भाई, नहीं कर सकते भाई, करके देखो। ओ भाई, एक्सपीरियंस ही बता रहे हैं कि किया था, नहीं हो पाया। ओ भाई, अबे गुजरात में तो कर दिया पर इन्होंने। हाँ, गुजरात में तो अभी कुछ कुछ कर रहे थे। हाँ, तो बस ये सा इतना ही था, आगे मैं तुमको भाई, वो तो क्रेजी भाई, जरा करके देखो। हाँ, नहीं होता, संभव होता है क्या फिक्सिंग? क्या क्या दुनिया को मूर्ख बना। लेकिन दुख इस बात का है कि ऐसी बातें करने वालों को आप मीडिया के लोग उनको पूछने के बजाय हमको पूछते हो। अरे इसमें ना, ये सेगमेंट मुझे पता था कि बाकी लोग कवर कर लेंगे, तो मैंने अपने वालों में नहीं लिया था, लेकिन मेरे एक इंटरव्यू में जो मैं देख रहा था उसमें मोदी पता क्या कहते कि ये सब मेरी जेब में होता अगर, तो मैं क्यों धूप में घूमता, धूप में अपने आप को परेशान करता, आराम से एसी में बैठता, इलेक्शन जीत जाता। तो ये डिफेंस था उधर कि तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मैं धूप में रैली कर रहा हूँ। हाँ, वो लेके घूम रहा है लाइट। चलो नेक्स्ट पार्ट ना, अभी मैंने बताया दो लोग साथ में बैठे, एक कर्नाटका का एक महाराष्ट्र का। तो कर्नाटका वाले ने पूछा कि आपको क्या लगता है वहां पे आपका कुछ होगा, तो इसने कहा कि कर्नाटका तो भाई बहुत रिग्रेट कर रही है जनता कांग्रेस को लेकर के। क्या नंबर वन, कर्नाटका की जनता पश्चाताप कर रही है कि हमने इतनी बड़ी गलती कर दी, इनको बिठा दिया, तो जन समर्थन हमारा कम नहीं हुआ, जन समर्थन हमारा बड़ा है। इंटरव्यू इसलिए ये क्या बोल रहे हैं? लेकिन इन्होंने इतने ही कम समर्थन हमारा बड़ा है। सीएम कौन, अभी भी वो बात सेटल नहीं हुई है, शपथ हुआ है सीएम का लेकिन सेटल नहीं हुआ है। अपने आप को सीएम मानने वाले लोग बहुत है उसमें। अब कानून व्यवस्था देखिए, चरमरा गई है, बम ब्लास्ट हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, आर्थिक स्थिति पूरी तरह कंगालियत की स्थिति में है। वादे तो बड़े बड़े कर दिए उन्होंने और फिर टैग लगाए, ऐसा होगा तो ये मिलेगा, वैसा होगा तो नहीं मिलेगा। मतलब आप जनता के साथ धोखा भी कर रहे हो। जब हमने कहा कि भाई हम इन इन लोगों को आयुष्मान कार्ड देंगे, मतलब देंगे, फिर इफ एंड बट लगा करके उसमें बेईमानी नहीं करनी चाहिए। अभी जब हमने कहा कि हम 70 साल से ऊपर के किसी भी वर्ग के व्यक्ति होंगे, इनको आयुष्मान कार्ड देंगे, मतलब देंगे, आप में ये हिम्मत होनी चाहिए। उन्होंने किसानों की जो योजना थी वो रद्द कर दी, किसान सम्मान निधि, कोई कारण नहीं है इस प्रकार से करने का। अब बता, आप कोई सोच सकता है जब बेंगलुरु दुनिया में हमारा बहुत बड़ा देश की इज्जत बढ़ाने में बेंगलुरु का बहुत बड़ा रोल है। दुनिया में जब जाते हैं ना,
तो बेंगलुरु कहते ही ऐसा लगता है वो जैसा परिचित है, टैंक हब के रूप में जाना जाता था। आपने देखते ही देखते उसको टैंकर हब बना दिया था। और टैंकर में भी माफिया सही चल रही है, पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। अगर ये जो हालत उन्होंने कर दी है, समझ रहे हो भाई, टैंक हब को टैंकर हब बना दिया गया है। कैसे ध्रुव, पानी आ रहा है घर पे? एज अ रेजिडेंट आई कैन से कि भाई ये शहर टैंकर पे ही चल रहा था पिछले कई सालों से। और दुनिया में लोगों को पता चल गया क्या कि हाँ कि बेंगलुरु ना कई हाल मेरी एलए कॉन्फ्रेंस में तो कोई नहीं पूछ रहा मेरे से कि पानी आ रहा है सिर्फ तेरे घर नहीं आ रहा। महाराष्ट्र वाले ने उससे पूछा कि शरद पवार के बारे में क्वेश्चन पूछा, देखो तुमको वो दिखाता हूं, वो भी बड़ा मजेदार है। अजित पवार का नहीं पूछा गया, उसको क्यों ले लिया साथ में? वो भी पूछे, वो थोड़ा लेकिन लंबे आंसर थे, मेरे को बहुत बोरिंग लगा। प्रॉब्लम हियर इज कि क्वेश्चन ये होना चाहिए था उससे कि टैंकर शाही बना दिया, आप पानी की पाइपलाइन छोड़ के गए थे क्या जो कांग्रेस ने तोड़ दी, बंद कर दी 6 महीने में 7 महीने में? नहीं, बट अब कर्नाटक रिग्रेट कर रही है ना, तो दे विल इनको सिंपैथी वोट मिल जाए। ये वोट भी बढ़ेगा, सीट भी बढ़ेगी। सर 2017 में आप ही की सरकार ने शरद पवार जी को पद्म विभूषण दिया था, जो देश का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। लेकिन पिछले मंगलवार को शरद पवार जी ने एक कह दिया मराठी में, तो मराठी तसे म्हणाले कि मोदी जी देशाचे नवे पुतिन, आप नए पुतिन बन रहे हैं। आप इस कमेंट को कैसे देखते हैं? मैं उनका आदर करता हूँ, आज भी करता हूँ। हाँ। और मैं मानता हूँ सार्वजनिक जीवन में लंबे अरसे तक जिन जिन लोगों ने काम किया है, वो हमारे साथ रहे न रहे, हमारे विरोध बने, वो अलग बात है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसके अंदर वो पुतिन को देखते हैं, उसकी सरकार से अवार्ड लेकर के वो गर्व कर रहे हैं। उनो रिवर्स क्या लग रहा है कि कहीं पे अटेम्प्ट है कि ऐसा कुछ मत कहो जिससे नाराजगी आए कोई भी, क्योंकि यू नेवर नो व्हाट यू माइट ओरियन से भी लेवल लेटर। ठीक है, तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट कीप थिंग्स थोड़ा सॉफ्ट, तो यहाँ पे सॉफ्ट रिस्पांस के रूप में ये दे पाए मोदी जी। ये तो बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। बट फिर लुक क्यों दे रहे हैं ऐसा कि फोड़ दिया मैंने? भाई क्या फोड़ दिया, सबका रिएक्शन आया कि नहीं आया तुम बताओ। ठीक है, देख बंदों को देख, तीनों क्या स्माइल मार रहे हैं। इनका तो करियर बन गया मोदी से इंटरव्यू लेके। हाँ, इसी में ना थोड़ा आगे उसने ये भी कहा कि रुको ये वाला हिस्सा भी दिखाता हूँ, 51-53। हाँ, यहाँ पे ना ये आदमी कहता है कि फिर भी वो तुम्हारे खिलाफ तो बोल रहा था इतना किया गया। तो ये सुनो, कैसे पद्म पुरस्कार एक प्रकार के सच्चे अर्थ में सम्मान बना दिया, इतना बड़ा काम उन्होंने किया है, अगर तारीफ होनी चाहिए। दिस इज ट्रू। तो इसके साथ मैं तो काफी एग्री करूंगा। इस अवार्ड को तो डेमोक्रेटाइज जेन्युइनली कर दिया इन्होंने, एक्चुअली किया होनी चाहिए। कि भाई आप बहुत बड़े सोच वाले लोग हैं कि आप ऐसे ऐसे निर्णय करते, ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि आपने उनको क्यों दिया। नहीं, देने के बाद मैंने एक चीज अभी नोटिस कि बैकग्राउंड फ्रेम है शिवाजी ऑन वन एंड भाई, मैं सन टेंपल से नोटिस कर रहा हूं। ऐसा है स्टेटमेंट, ये शर्ती थोड़ा होता है मैं पद्म देता हूं मेरे लिए चुप रहना, ये कोई एग्रीमेंट थोड़ा होता है, ये गिव एंड टेक फॉर्मूला नहीं है जी। मोदी जी थोड़ी सी बात देखा, ऐसे चुप करा दिया भाई, हम तो गिव एंड टेक नहीं करते। I appreciate people questioning me कह दिया है। हाँ, ठीक है। कोई doubt है क्या? चलो अब हाँ, अब थोड़ा सा सर है। अब मैं दो क्लिप और दिखाना चाहता हूँ तुम लोग को इस वीडियो में से, ठीक है? एक तो बहुत फनी है, मोदी कांग्रेस कोई चीज में चैलेंज करते हैं। He's like कांग्रेस मैं तुमको चैलेंज करता हूँ। हिम्मत है क्या? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले कि हम 370 फिर से वापस लाएंगे। हिम्मत है तो कोई भी दल हिम्मत है तो आ जाए मैदान में। अरे मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, रुको सुनो फिर से सुनो। इतना हिस्सा है कि किसी में भी हिम्मत है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करो कि हम 370 वापस लेके आएंगे। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता लेकिन ठीक है।
और लास्ट में ना अब ये सारा पॉलिटिकल कवर कर लेते हैं, उसके बाद ये लाइक चलो मोदी जी मैं आपसे थोड़े पर्सनल क्वेश्चन पूछता हूं। ऑफ कोर्स हां पर्सनल में तो ऐसी ऐसे फुल टॉसेस आए ना भाई, ये सुनो अलग से एक चर्चा करनी पड़ेगी आपको हमारे ग्रुप के साथ। आज विलास मुझसे सुबह एक सवाल पूछ रहे थे, मैंने कहा आप मोदी जी से खुद ही पूछना डायरेक्ट। आपने आपकी पूरी यात्रा में बहुत सारी कठिनाई का सामना किया है, ऐसी हालत में भी आप टफ डिसीजन लेते हैं, एक कैसा कर पाते हैं? पहले तो क्वेश्चन अप्रिशिएट करते हो कि नहीं मुझे बताओ भाई। इसका आंसर मेरे को पता है, मैंने सुन रखा है इसका आंसर एक बार भाई साहब। इसका आंसर भाई सुनो आगे, मजा आ जाएगा। टफ डिसीजन वगैरह नहीं लेता हूं जी, मैं सही डिसीजन लेता हूं। अच्छा, कोई टफ डिसीजन होता है? किसी को टफ लगे किसी को ना लगे सब सकता है, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूं कि ये सब कैसे होता है। जैसा आचार्य आपको होता है मुझे भी होता है कि मोदी ये कैसे करता है, क्या खत्म हो गया? फिर मैं सोचता हूं नहीं 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 शायद परमात्मा ने ही मुझे इस काम के लिए भेजा हुआ, मुझसे जो कुछ भी है वो कोई ईश्वरीय शक्ति करवा रही है और वो ईश्वरीय शक्ति ईश्वरीय प्रेरणा से मैं रहता हूं। ये कोई परमात्मा की देन है, परमात्मा ने मुझसे कुछ काम लेना तय किया है, किसी पर्पज के लिए परमात्मा ने मुझे भेजा है, और इसलिए मैं ये जो बाकी तूफान चल रहा है उससे बहुत परे रहता हूँ। लेकिन इस तूफान में शांत कैसे रहते हैं? वही मैं उससे परे रहता हूँ, मुझे मुझे शायद परमात्मा ने यही राह दिखाई है भाई। नार्सिसिज्म एट इट्स बेस्ट, आई एम गॉड्स गिफ्ट टू दिस कंट्री, ये बोल दिया उसने। एंड ये आगे चलता रहता है, तो इस वीडियो की जितनी ड्यूरेशन बची है लास्ट 3 मिनट और सिर्फ यही कहते हैं कि परमात्मा की वजह से ही कर रहा हूं मैं जो कर रहा हूं, परमात्मा ने कराया मुझे, मेरा तो बहुत मानना है उनमें। ये अगले 3 मिनट और ये खींचेगा, अगर आपको सुनना है तो मजा आ जाता है। देखो लाइक व्हाइल वी फाइंड इट फनी, द स्मार्टनेस ऑन हिज एंड इज कि वो ही फाइंड्स अ वे टू प्लग हिज धार्मिक पर्सनैलिटी क्वेश्चंस एंड आंसर्स में जहां जहां कर सके वो। एंड हमें ये मानना पड़ेगा कि देयर आर पीपल हु कंज्यूम दिस एंड फील वाओ वी हैव बीन गिफ्टेड, कि हमें एक ऐसा सच लीडर मिला है जो सच आत्मा है, वो जो स्वयं मतलब जेन्युइनली भगवान ने ही भेज दिया हमारे लिए, तो ऑडियंस है जो इसको अप्रिशिएट करती है इस बात को। ये इतना मतलब इतना इरिटेटिंग और इतना ऐसे डिल्यूजनल नार्सिसिस्टिक से है ना कि मैं उसके दूसरे की तरफ देखता हूँ, दूसरे को देखता हूँ तो वो इतना नल्ला है ना, इतना नल्ला इतना स्टूपिड है कि मैं इसकी तरफ आता हूँ, मेरा तो पिंग पोंग बना रखा भाई। लगू तू तो नार्सिसिस्ट भी है और लल्लू भी है। हाँ भाई ठीक है। तो परमात्मा का निर्देश है, परमात्मा की इच्छा है, परमात्मा की योजना है, और शायद मैं एक निमित्त हूँ, कुछ नहीं हूँ। मैं कुछ नहीं हूँ ठीक है। ये इस पूरे वीडियो का मैंने ये मिडिल क्लास अंकल है उनको अपील कर दिया लास्ट में, है ना। हाँ तो ये दिखाना चाहता था मैं तुम लोग को इस वीडियो में से, क्या लगा तुम लोग को न्यूज 18 देख के बताओ? थीम तो कंसिस्टेंट है देखो सारे इंटरव्यूज की, और इंटरव्यूअर कैसे लगे? एकदम प्लायंट प्रोफेशनल थे इंटरव्यूज भाई, नॉन एनपीसी है, एनपीसी है। हाँ करेक्ट। नेक्स्ट हम एएनआई वाला देखना चाहते हैं, आ जाओ फ्रेंड्स एएनआई देखते हैं, स्मिता प्रकाश जी क्या कहती हैं? देखो भाई यहाँ पे कैमरा वगैरह पे देखना, मुझे याद नहीं यहाँ पे क्या बातें हो रही है बस। आज हमारे यहाँ दुर्भाग्य से शब्दों के प्रति जो कमिटमेंट होना चाहिए वो एक प्रकार से लग रहा है कि तो चलते का नाम गाड़ी, कुछ भी बोल दो कहीं पर भी बोल दो, कोई जिम्मेवारी नहीं। अब आप देखा होगा इन दिनों एक नेताजी के पुराने ढेर सारे वीडियो बाजार में घूम रहे हैं और उनके एक विचार से दूसरा विचार कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है। अब लोग एक साथ देखते होगा, अरे ये आदमी इतना हमें मूर्ख बनाता था हमारी आंखें। अरे किसकी बात हो रही है भाई, मैं तो समझ नहीं भाई किस बंदे की बात कर रहा है ये, फिर से थर्ड पर्सन में पर ये जो अरे करा ना उसने भाई शहजादे की बात चला दो भाई। उसकी कौन सी कॉन्ट्रडिक्शन है देखियो, अभी मोदी जी बिना एग्जांपल के थोड़ी बताएंगे। देखियो अभी मैंने एक नेता का भाषण सुना, उन्होंने कहा एक झटके में मैं गरीबी हटा दूंगा। अब जिनको 5-5, 6-6 दशक देश का राज करने को मिला, वो जब आज कहेंगे कि मैं एक झटके में गरीबी हटा दूंगा तो देश सोचता है ये क्या बोल रहे हैं,
तो मुझे लगता है पॉलिटिकल लीडरशिप की क्वेश्चनेबल होती जा रही है। ऐसे में प्राण जाए और वचन न जाए, ये महान परंपरा से हम निकले हुए लोग हैं। मैं मानता हूँ नेताओं ने ओनरशिप लेनी चाहिए, जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि ये मैं जो बोल रहा हूँ मतलब मेरी जिम्मेवारी है, ये कोई करेगा ऐसा करेगा ऐसे नहीं चलता है। और उसमें से मैंने बल दिया है गारंटी का। मैं तो बेसिकली मोदी जी अपने गारंटी के बारे में बता रहे थे कि गारंटी का मतलब क्या होता है, जो ऐसे कुछ कह देने से नहीं होता है। मैं अगर गारंटी कह रहा हूँ तो इसका मतलब कि मैं डिलीवर करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये था अब मैं नेक्स्ट स्कीम जो दिखाने वाला हूं। 14-19 में गारंटी दी थी, अब इस 14 और 19 में गारंटी दी थी, 24 में गारंटी की गारंटी देनी पड़ रही है। अभी इस वाले क्लिप में क्या होने वाला है कि मोदी जी का तो ठीक है, स्मिता प्रकाश इतनी खुश हो जाएगी ना, मतलब पता ही नहीं किस बात की खुशी है इसको। क्वेश्चन पूछने की खुशी है कि क्या है। आपसे एक तो वो जो क्लासिक शॉट था ना, वो प्रेसिडेंट बाइडेन और प्रिंस सलमान जो हैंडशेक वाला जो शॉट, उसके बारे में एक दूसरा। वेस्टर्न मीडिया में बहुत से आर्टिकल्स आते थे उस वक्त कि कोई कंसेंसस होगा नहीं, डिक्लेरेशन होगा नहीं, पर हो गया डिक्लेरेशन। तो ये दो, इन दोनों चीज़ों की बैक स्टोरी बताइए, एक तो आपने वो हैंडशेक कैसे करवाया और दूसरा डिक्लेरेशन कैसे हुआ। कितनी खुश है ये भाई, कितनी जेन्युइनली हैप्पी है कि भाई क्या बताइए, मोदी जी बताइए ना। इसका देख रहा खुशी देख रहा है फेस पे, मोदी जी ने इसका आंसर, मोदी साहब के दोस्त है पहली बात तो वो सब था आंसर में, ठीक है। तो वो काफी वर्बोस है, फायदा नहीं उसको सुनने का। तो आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्लिप पे, जहाँ पे वो आरुकवादी पापा का बहुत लंबा वर्जन मिलेगा। तुम्हें तो एक ही आरुकवादी पापा पता है, अब तुम्हें दूसरा पता होगा, पता चलेगा। युद्ध चल रहा था तो भारत के जो वहाँ पर छात्र थे उन्हें सुरक्षित रूप से वापस भारत लाया गया। ये एक दिल हिलाने वाला किस्सा था। इसमें आपने हॉस्टिलिटीज रोकने के लिए पर्सनल हस्तक्षेप किया था, पर्सनल इंटरवेंशन किया था, ये सुनने में आया है। तो इसके बारे में कुछ बताएंगे। देखिए यूक्रेन की चर्चा जरा ज़्यादा हुई क्लाब, लेकिन मैं 14 से लेकर ऐसी कई घटना है इस इंटरव्यू में और अभी तक के इंटरव्यू में। एक जो माइनर डिफरेंस है वो ये है कि स्मिता प्रकाश हैज डन नो होमवर्क के मेरे को कुछ सवाल बनाना है, कुछ पूछना है, मैं आपको स्टेटमेंट दूंगी और ओपन एंडेड छोड़ दूंगी कि आप बता दो इसके बारे में कुछ। मैं न्यूज़ पॉइंटर्स दूंगी कि हाँ ये हमने पब्लिश किया था, इस पे आप बता दो इसके बारे में कुछ। आपने हैंडशेक करवाया था इसके बारे में बता दो कुछ, आपने वॉर रुकवा दिया बता दो इसके बारे में कुछ। सुनने में आया आपने पर्सनल हस्तक्षेप किए थे, आपको पता है किससे सुनने में आया, उसी से सुनने में आया ना तुझे। ध्रुव तो क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है भाई, क्वेश्चन इंटरव्यू के लिए तो इंटरव्यू बनाए जाते हैं। ऐसा मोदी जी की पॉडकास्ट कैसी बातें कर रहे हो, थैंक यू वेरी मच मोदी जी, एक इंटरव्यू कुछ भी पॉडकास्ट में। हां भाई तो एक ही वार्ड नहीं रुकी थी भाइयों, एक और वार्ड रुकी थी जिसका तुम्हें पता होना चाहिए। ये सुषमा स्वराज जी का एक इंटरव्यू है, आप देखिए मणिपुर वाली कि कैसे यमन में से हमने हिंदुस्तान के लोगों को लाए और सऊदी किंग के साथ मैंने बात करते हुए। भाई मोदी जी बाहर के बार रुकवाते हैं, अंदर अंदर वाले ज्यादा केयर नहीं। डोमेस्टिक इज टू इजी। हाँ वो तो भड़काते ही है। डोमेस्टिक के लिए छपड़ी उपड़ी को रख रखा है इन्होंने, बाहर के बार से रुकवाने का काम करते हैं। मुझे वहां यमन से लोगों को लाना है, आपका बॉम्बार्डिंग चल रहा है, हम कर नहीं पा रहे हैं, मुझे कैसे मदद करेंगे। तो उन्होंने कुछ समझ दीजिए मुझे, और सुषमा जी ने अपने इंटरव्यू में सारी चीज़ें कही हुई हैं। भारत की रिक्वेस्ट पर एक पीरियड रहता था जिस पीरियड में बॉम्बार्डिंग नहीं होता था, और उस समय हम हवाई जहाज में हमारे लोगों को निकालते यमन से करीब। बेटे पता था ये बात ना भाई। अब तुम्हें तो इसमें मोदी ने वॉर रुकवाई कि सुषमा चाची ने? नहीं, सुषमा स्वराज ने इंटरव्यू दे दिया तो उनका क्रेडिट गया, अब जो भी है डिस्प्ले हुई है क्रेडिट, अब सब मोदी जी पे ही है, ठीक है। अब यहाँ से देख लो, यहाँ पे ईडी सीबीआई सबके बारे में लंबी बात होगी, ईसी सबके बारे में लंबी सी बात होगी, और सारे इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, तुम्हें सबको पता होना चाहिए। अगर किसी को अब देखिए इलेक्टोरल 2014 से पहले नहीं थे वो, तो किस व्यवस्था में। अच्छा सॉरी, ये इलेक्टोरल बॉन्ड वाली बात है कि पैसा कहां से आ रहा भाई, ये जो बहुत बड़ी लाई है एक,
उसके यार बात होगी कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है उसका ट्रेल इसी वजह से है कि हमने इलेक्टोरल बॉन्ड लाया था, जबकि पूरा पॉइंट ही यही था कि सीक्रेसी मेंटेन करना था, लेकिन कहां गया अब नैरेटिव चेंज हो गया। ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड की सक्सेस स्टोरी है भाई, तो 2014 से पहले सिस्टम हो रहा था वो बंद थोड़ी किया, ये तो बस एडिशनल सिस्टम था, वो तो अभी भी चल रहा है, उसका तो अभी भी नहीं पता कौन कहां से लेके आ रहा है। उसमें आई थिंक सिर्फ इतना वेरिएशन आया है कि अब एक बार में 2000 रुपए जमा कर सकते हो। हाँ पहले 20 था, बट उसका कुछ मतलब नहीं है, मतलब इनको रिपोर्ट नहीं करना होता कि इलेक्टोरल बॉन्ड थे तो आपको ट्रेल मिल रहा है मनी का कि किस कंपनी ने दिया, कैसे दिया, कहाँ दिया। अब उसमें अच्छा हुआ बुरा हुआ वो विवाद का विषय हो सकता है, इसकी चर्चा हो। मुझे जो चिंता है वो मैं ये कभी नहीं कहता हूँ निर्णय में कोई कमी नहीं होती है, निर्णय तो चर्चा कर सीखते हैं सुधारते हैं, इसमें भी सुधार के लिए बहुत संभावना है, लेकिन आज हम पूरी तरह काले धन की तरफ देश को धकेल दिया है। ओ भाई देख रहा है इलेक्ट्रो बॉन्ड रद्द हुआ इस वजह से काले धन की तरफ हमारा देश जा चुका है भाई। इससे सवाल मतलब क्रॉस क्वेश्चन को नहीं पूछता कोई भी, व्हाट अ ट्रेजेडी, काले धन तो खत्म कर दिया था इन्होंने। मेरे 15 लाख भी खा गया काले धन के, सकुआ ने काला भी पहन गया है, हम काला धन रिप्रेजेंट। अब आ रहे हमारे इंडिपेंडेंस इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है तो लेकिन उनको गोलमोल बोलना है और भाग जाना है। हम ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं तो विपक्ष कहता है कि ईडी सीबीआई आईटी सारे के सारे इदारे जो हैं, इलेक्शन कमीशन को भी जोड़ते हैं वो, कि सारे इदारों पर बीजेपी हावी है और लेवल प्लेइंग फील्ड है ही नहीं, मतलब दे ऑलरेडी मेकिंग द ग्राउंड कि इलेक्शन जो है वो फेयर नहीं हो सकता। इसमें एक भी कानून मेरी सरकार ने नहीं बनाया, चाहे ईडी हो सीबीआई हो चाहे इलेक्शन कमीशन, ऊपर से हमने तो इलेक्शन कमीशन में सुधार किए हैं। आज इलेक्शन कमीशन बनता है तो ऑपोजिशन भी उसमें होता है, पहले तो प्रधानमंत्री एक फाइल पे साइन करके इलेक्शन कमीशन बना देता था। तो बेसिकली बात गलत नहीं कि पहले क्या होता था, मेरे पास बंदूक, अभी भी यही हो रहा है। हाँ मेरे पास बंदूक है तो अगर मैं उसी बंदे को गोली मारूं जिसने बंदूक बनाई थी तो थोड़ी काउंट होगा, यही कह रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक बंदूक को, बंदूक बनाने वाले को गालियां भी दो कि उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं किया। हाँ अगर बंदूक इफेक्टिव होती तो तुम चला लेते ना मुझ पे। और जो उनके परिवार के साथ निकट जुड़े थे ऐसे ऐसे लोग इलेक्शन कमीशनर बने थे, ऐसे लोग इलेक्शन कमीशनर बने थे जो वहां से निकलने के बाद राज्यसभा के मेंबर बने, उनकी सरकार के मिनिस्टर बने, ऐसे इलेक्शन कमिश्नर बने थे जो कांग्रेस के बाद में कैंडिडेट बने, और इसलिए हम उस लेवल पे प्ले नहीं कर सकते। तो हमारा देखा लेवल प्लेइंग फील्ड को कैसे बोलते मिलाया है, उस लेवल पे प्ले नहीं कर सकते भाई। और वो आंखों से भी भाई बात करता है, उसकी आंखें भी बोलती है अपने बस का। लेवल पे प्ले नहीं कर सकते, इस क्रेजी इनका एक और मिनिस्टर भी था ना कि तुम्हारा रोड मैप क्या है, हमने बहुत रोड बनाई है, मैप पे देख लो हमारा मैप रोड पे है। क्या था हमारे बहुत रोड बनाई है क्या? अरे ये किसी ने पूछा था इनके किसी मिनिस्टर से कि रोड मैप क्या है तुम्हारा डेवलपमेंट का, ऐसा कुछ वो बोलता है कि हमने बहुत रोड मैप रोड बनाई है, मैप पे देख लो। सुधांशु त्रिवेदी सचिन पायलट कह रहे हैं कि भाजपा का कोई रोड मैप नहीं है, हमने जो काम किया है उनके आधार पे वो हमारी कमियां नहीं गिना सकते हैं, कुछ रोड मैप नहीं है बस आरोप लगा। भाजपा ने 37 किलोमीटर पर डे की रोड बनाई है जो मैप पे जाके देखी जा सकती है, उसके बाद किसी को मैप ना नजर आ रहा हो तो मुझे लगता है उसको अपनी आंखों की जांच। मिनिस्टर कब दी थी? बीजेपी के मिनिस्टर, लाइक नॉट इंडियन गवर्नमेंट जाना चाहते हैं, मिनिस्टर दूसरी बात है। पराजय के लिए वो कुछ रीजनिंग अभी से सेट करने में लगे हैं ताकि पराजय उनके खाते में न चढ़ जाए। वो कह रहे हैं लड़े कैसे आप, या तो ऑपोजिशन लीडर्स को जेल में डाल रहे हैं या फिर अगर वो आपकी पार्टी में आ गए तो सारे पाप धुल गए। कितने ऑपोजिशन लीडर जेल में हैं?
ये नोटिस किया तुम्हें, दो क्वेश्चन से कर रहा हूं मैं, मोदी ऐसे हाथ दिखा देता है, हाँ ये वाला क्वेश्चन मेरे को आता है, रुक जा भी, चुप कर जा, मेरे को मैं सिर्फ पढ़ लेता, रुक जा भी, ये वाला क्वेश्चन बताया। और इस पे तो आज क्योंकि हम ऐसे दिन पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, केजरीवाल इज आउट फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 3 वीक्स। जय हो सुप्रीम कोर्ट। हां वो तो कोर्ट के की, हां मोदी जी का थोड़ी कुछ उसमें है। तो ये तो हिपोक्रेसी हो गई ना हमारी। हाँ भाई, हम एक तरफ मोदी कंट्रोल करती है, केजरीवाल को भेजता है जेल में, और फिर अब जब सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया तो हम कह रहे हैं कि केजरीवाल तो सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया, मोदी ने नहीं रुका। बट मोदी के लोग तो वहां पे भी अटके पड़े थे ना कि भाई और चाहिए हमें इसकी कस्टडी। तो भाई तेरा ही स्टैंड है कि मोदी एंड पीपल हु होल्ड पावर हैव इनफ स्वे, ये सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल को इसलिए डाला गया है क्योंकि उनका उनका पास पावर है। मैं देता हूँ कंस्पिरेसी थ्योरी देता हूँ मस्त, उन्होंने थोड़ा मूड जज कर लिया कि सिंपथी वेव बन रही है अब तो आम आदमी पार्टी के लिए ना, लोग ऐसे मैं को खुद ये लग रहा है कि इन्होंने थोड़ा सा एक सॉफ्ट स्टैंड दिखाने के लिए कि देखो इंस्टीट्यूशंस आर नॉट कंट्रोल्ड बाय अस, हम गुंडे थोड़ी हैं। हाँ अरे ठीक है, मतलब मेरे को लग रहा है कि पोस्टर छाप देना कि जेल का जवाब वोट से, वही फेल हो जाएगा अगर जेल से निकल जाएगा, हम इनको नए पोस्टर नए कैंपेन बनाना पड़ जाएगा। और क्या यही ऑपोजिशन लीडर उनका सरकार चलाते थे या जेल का डर है? डर तो पाप का होता है जी, ईमानदार सोचो, ऐसे दिन में हेल्प भी किया जा रहा है कि कहीं कुछ मिस ना हो जाए, कहीं कुछ मिस ना हो जाए। सर आपकी आपको स्क्रिप्ट हमने मिलके तो लिखी थी सर। अरे क्योंकि स्मिता प्रकाश के पास वो है ना प्रिंटेड स्क्रिप्ट, तो कहीं कुछ पॉइंट्स मिस ना हो जाए तो प्रॉम्प्ट दे रही है। भाई ये 12th पेज 12th फेल वाला एग्जाम चल रहा है भाई। को क्या डर होता भाई, वाइवा में टीचर भी तो हेल्प करते, मेरे यहाँ भी तो उन्होंने मेरे होम मिनिस्टर सबको सबको जेल में डाल दिया था। दूसरा ईडी की बात करते हैं, आप गुजरात के बारे में कह रहे हैं जब आप हाँ मैं मुख्यमंत्री था। अच्छा जो ईडी की क्लियर हो जाए, ऐसे नहीं कि कोई कंफ्यूजन है। बात करते हैं वॉशिंग मशीन का भी तो पूछा था इसने, होम मिनिस्ट्री जब होम मिनिस्ट्री इनकी तो होम मिनिस्टर कैसे अरेस्ट हो गया। जितने केसेस किए ना उसमें से सिर्फ देश को समझना सिर्फ 3% ही पॉलिटिकल लोग इन्वॉल्व है। ये कैसा आर्ग्यूमेंट है, मेरे को समझ नहीं आता। तेरे लिए है भी नहीं वो भाई आर्ग्यूमेंट, जिसको समझना वो खुश है इसमें। मेरे को तो ये जानना है कि उस पॉलिटिकल वाले 3% में से कितने अपोजिशन के कितने बीजेपी के, वो बता। ये भी बताया तो था उन्होंने कुछ 95-96%। हाँ बट मोदी जी नहीं बताएंगे ना, ये कहीं और से निकालना पड़ेगा जिन पर एक केस हुआ। 97% जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं ऐसे लोगों है, कोई हुआ है जो कोई ड्रग माफिया है, कुछ अफसर है जो करप्शन कर, ठीक है यही है यही है, उसका डेटा फेंकेंगे मोदी जी, डेटा के साथ तैयार है। अगवा हटाओ भाई, अगला इंटरव्यू लगाओ डेटा भाई, मेरे को उसका सुनवाओ भाई, उसका सुनवाओ इंटरव्यू। अर्णव लास्ट, अर्णव सबसे लेटेस्ट। अच्छा भाई पर लास्ट तक ऑडियंस नहीं रिटेन होती, फिर मिस हो जाएगा ना जो आलो। अरे वो टाइम स्टैम्प में लिख देंगे, हां भाई बड़ी यहां तक आ गई जनता ऑडियंस। तो जो सबसे बड़ी हाईलाइट है इस इंटरव्यू में वो ये है कि जो नाविका है और इसके साथ सुशांत करके जो भी इस बंदे का नाम है, जो क्वेश्चन जैसे हम जैसे मैं वहां पे पॉइंट आउट कर रहा था ना कि स्मिता प्रकाश नैरेटिव देखती है और उसके बाद ओपन एंडेड छोड़ देती है कि सर आप बोल लो अपनी मर्जी से, यहाँ पे जो इन्होंने थीम रखी है इन दोनों ने वो ये है कि हम तो जानते हैं आप बेस्ट हो, ठीक है हम तो जानते हैं कि ऑपोजिशन वाले झूठे हैं, बट आप बता, आप जनता को बता दो एक बार, हम जानते हैं, आप इनको बताओ, आप डायरेक्टली बता दो, हम हर दिन बोलते हैं, जनता समझती नहीं आपके मुंह से सुनना चाहती है। हाँ हमारी और बीच में इन्होंने वो भी बोला है कि हम दोनों तो बैन भी हो रखे हैं ऑपोजिशन की तरफ से। ओ अच्छा, हम दोनों ऑपोजिशन की तरफ से बैन हो रखे हैं क्योंकि हमें आप पसंद है, लेकिन हम अपना काम करना नहीं छोड़ेंगे। तो उसके अलावा हाईलाइट्स ये हैं उसके फ्रॉम मोदी जी पर्सपेक्टिव कि बहुत ही भावुक भाई, मल्टीपल टाइम्स ही वाज ऑन द वर्ज ऑफ क्राइंग,
तो हाईली इमोशनल एंड बीच में नाविका एट वन पॉइंट गोज लाइक कि आई एम अ मदर आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर फीलिंग लाइक द इमोशन मोदी भी तो मदर है नहीं नहीं मोदी जी अपनी मदर के बारे में क्वेश्चन के साथ साथ ये टाइमना वाले लोग तो मेरे को सबसे फनी लगते हैं एक चीज जो मैंने और नोटिस करी वो ये थी कि थ्रू आउट द इंटरव्यूज कुछ रिकरिंग थीम्स हैं जिन पे क्वेश्चन किया गया है बाकी लेकिन जो वेटिंग ऑफ क्वेश्चंस हुआ है ना वो इतने बढ़िया तरीके से हुआ है कि ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में दो से तीन चीजें ऐसी निकल के आती हैं जो पिछले इंटरव्यू में नहीं पूछी जाती हैं तो होलसम रखा गया है मोदी जी की तरफ से तो पहला वाला स्टार्ट करते हैं सेगमेंट इसमें जहाँ पे मोदी जी से पूछा जाता है इनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में मैं जब 2014 में काशी गया तो नामांकन के बाद क्योंकि वो लास्ट मोमेंट तय हुआ था मेरा काशी जाना तो नामांकन के बाद ऐसे ही मीडिया के लोगों ने मुझे पकड़ा तो मेरे मुंह से ऐसे ही एक भाव निकल गया और उस दिन आप देखेंगे मेरा वो बिल्कुल मैं तैयार नहीं था अचानक ही मुझे पकड़ा था मैंने कहा देखिए भाई न मैं यहाँ आया हूँ न मुझे किसी ने भेजा है मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है ऐसा मैंने 2014 में कहा था लेकिन आज 10 साल के बाद मैं पूरे भावुकता से कह सकता हूँ कि उस समय मैंने कहा था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है आज मुझे लगता है कि भावुक हो रहे हैं जस्ट इन केस कोई डाउट हो किसी को वो बिल्डअप हो रहा है अबे वो माँ गंगा ने मुझे गोद लिया है I am the adopted son of Gaga. तभी 10 साल बीत गए काशी से इतना नाता जुड़ गया कि अब मैं कभी भी बोलता हूं तो यही कहता हूं मेरी काशी और इसलिए एक माँ बेटे का जैसा रिश्ता वो रिश्ता मैं मेरी काशी के साथ लोकतंत्र है तो लेकिन अगेन परफॉर्मेंस इसमें स्टार्ट जो हमने स्टार्टिंग का पार्ट मिस किया ना वो ये था कि ये लोग इनसे पूछते हैं कि आप अभी तक आपने अपना नॉमिनेशन फॉर्म नहीं भरा है काशी से तो ही सेज कि मेरा लास्ट फेज में इलेक्शन है भर लिया जाएगा जब समय आएगा एंड देन ही गोज इनटू दिस नैरेटिव तो अब आप अगेन वो देखो द पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस इज के जनता तो उधर की देखेगी ये वीडियो तो मैं रैली करने तो बाद में आऊंगा लेकिन डोंट फॉरगेट कि आई रिमेंबर यू पीपल यू आर हियर ठीक है तो याद रखना कि मैं आऊंगा वोट मांगने और आपको अपने गंगा पुत्र को एक और चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा ये काशी वाली बात पे ना एक कमेडियन है लाइक मिमिक्री आर्टिस्ट श्याम रंगीला करके वो मोदी के अगेंस्ट लड़ रहा है हाँ तो उसने ना ओवर द इयर्स बहुत सारी मोदी की मिमिक्री करी है एंड लाइक ऐसे वो तंज किसता था उस पे लाइक ओवर हिज डिसीजंस की पेट्रोल 100 रुपए हो गया ये तो फायदेमंद है ऐसी चीजें करता था अब वो कह रहा है कि कोई लड़ेगा ही नहीं तो मैं एज एन इंडिपेंडेंट वाराणसी जा रहा हूँ मैं मोदी के अगेंस्ट लड़ूंगा कि जनता के पास ऑप्शन भी तो होना चाहिए कोई कांग्रेस तो पता नहीं किसी को खड़ा करेगी भी नहीं नहीं तो उसका होल पॉइंट तो हुआ क्या हो रहा है कि जैसे नहीं उसने ये कहा था कि सूरत में जैसे सामने उससे कैंडिडेट ने हटा लिया ना अपना नॉमिनेशन हाँ, हाँ. तो उसका ये था कि मोदी जी के सामने अगर सब हटा भी ले तो मैं तो कम से कम नहीं हटाऊंगा ठीक है तो एक तो कॉन्टेस्ट मिलेगा मोदी जी ऐसे अनकंटेस्टेड तो नहीं जीत जाएंगे बड़ा ब्रेव आदमी लगा मेरे को जरूर उसकी ब्रेवरी अब 4 जून के बाद पता चली वो किसी दिन बीजेपी का झोला उठाने के पहुंच जाए देखा जाएगा सब ब्रेवरी देखी जाएगी तो ये माँ काशी माँ गंगा काशी के बारे में ये सब थोड़ा सा क्रिंज बात ही फिर अब आप कहते हैं उसमें भी आरक्षण होगा और वो माइनॉरिटी के लिए आरक्षण होगा तो इसके बदले में जब लोग कहते हैं कि आप मुसलमान विरोधी हैं मेरे हिसाब से आई डोंट नो अगर ये पिछले के इंटरव्यूज में ये सवाल पूछा गया बट अ क्वेश्चन वर्थ आस्किंग वो कहते हैं कि मुसलमानों को इस देश में डराया जाता है मोदी इनके खिलाफ है हिंदू मुसलमान करते हैं जब चुनाव होता है जब अटल जी की सरकार थी तब भी हमारे मैनिफेस्टो में रहता था राम मंदिर तब भी रहता था 370 तब भी रहता था यूसीसी मोदी की सरकार है अब जो काम हो गया वो नहीं रहता है जो बाकी होगा वो रहता है
जहां तक हमारा सवाल है, ये सिद्ध करें कि भाई ये हमारा, जैसे मैं कहता हूं भाई सैचुरेशन मुझे करना है, सरकारी योजनाओं का सैचुरेशन, मतलब गांव में 50 लोग हैं जिनको घर मिलना चाहिए, मतलब 50 को मिलना चाहिए, 49 को नहीं, मतलब उसमें सब समाज आ जाएंगे, सब धर्म आ जाएंगे। आप जब 100% की बात करते हैं तो सामाजिक न्याय की ये गारंटी है, सेकुलरिज्म की गारंटी है। मोदी हर काम उस प्रकार से करता है कि भाई सबको सब मिले, इसके लिए करो। अभी भी मैं पब्लिकली कहता हूं कि हमने 4 करोड़ घर बनाए, अब कुछ तो एसेंशियली यहां पे इनसे ये पूछा एंड मोदी जी ने अपना, तो यहां पे सी द रिस्पांस जो काउंटर क्वेश्चन होना चाहिए जो नहीं हो रहा है यहां पे, वो ये है कि आप जो पॉलिसीज के बारे में बात कर रहे हो वो आई थिंक सैटिस्फैक्टरी रिस्पांस है कि इन डिलीवरी ऑफ स्कीम्स देयर इज नो बाइफर्केशन बिटवीन कास्ट क्रीड जेंडर रिलीजन, वो नहीं हो रहा। बट जो ये अंडरलाइंग नैरेटिव है कि पीपल ऑफ अ सर्टेन कम्युनिटी फील अनसेफ, उनको इसलिए अनसेफ नहीं फील हो रहा क्योंकि उनको गैस नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रहा, बाथरूम नहीं मिल रहा, वो उनको मिल रहा है, बट जो उनका एक दे फील ओप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ देयर वॉइस, दैट इज द कंसर्न। एंड उस कंसर्न को यहाँ पे क्वेश्चन में आंसर के थ्रू आउट सेंस में नहीं वो किया जाता, एड्रेस नहीं किया जाता, ना काउंटर क्वेश्चन पूछा जाता मीडिया की तरफ से कि सर वी आर नॉट क्वेश्चनिंग योर डिलीवरी, वी आर क्वेश्चनिंग द एटमोसफियर। थोड़ा सा बीच में ठीक लगा वेर ही बेंट लाइक के परिवार है, विस्तार हुआ उनका, तो उनको एक घर की जरूरत है, तो राज्यों से मुझे कहा जाता है साहब अगर कुछ और मकान हो जाए तो, मैंने कहा चलो भाई 3 करोड़ और हम प्लान करते हैं, 3 करोड़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं पब्लिकली अभी सभाओं में कहता हूँ कि भाई आप चुनाव में जाते हो तो जाइए, लेकिन मेरा एक काम करिए, अगर कहीं कोई नज़र आ जाए कि जिसको अभी घर मिला नहीं है, नल से जल मिला नहीं है, गैस का कनेक्शन नहीं मिला है, रह गया है, तो आप उसकी चिट्ठी मुझे लिख दीजिए और उसको मेरी तरफ से कह दीजिए कि मोदी की गारंटी है 3रे टर्म में ये मिल जाएगा। और मैं कहता हूँ आप ही मेरे मोदी है, क्योंकि मुझे काम करना है, मैं वहां ये नहीं कहता हूं ये धर्म के उस धर्म के। तो एंटी मुस्लिम जब कहते हैं कैसा लगता है? ना हम इस्लाम के विरोधी बोलते हैं कि मैंने, ना हम मुसलमान के विरोधी हैं, घर बना दिया, हमारा ये काम ही नहीं है। जहां तक गाली देते हैं, ये नेहरू के जमाने से एक नैरेटिव बना हुआ है, ये दिस इज जो मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था ना कि सर मैं कन्विंस्ड हूं बट आप एक बार बता दो, इस प्रकार की गाली देने का। दूसरा, पहले गाली देते थे क्योंकि उनको कम मेहनत में ज्यादा मुनाफे वाला काम था, क्योंकि भी गाली दे तो ये मुसलमानों के दुश्मन है, तो आप अपने आप मुसलमान के मित्र बन जाते हो, कुछ किए बिना तो मुफ्त में फायदा मिलता है, तो इसलिए उन्होंने ये एक भय का वातावरण बना करके फायदा लेने के लिए दुकान चलाए रखी है। मुसलमान समाज अब समझदार है, जब मैं 3 तलाक का कानून खत्म करता हूँ, परंपरा खत्म करता हूँ, तो मुस्लिम बहनों को लगता है कि यार ये तो जेन्युइन आदमी है, मैं जब आयुष्मान कार्ड देता हूँ तो उसको लगता है यार ये तो जेन्युइन लगती है, मैं कोविड का वैक्सीन देता हूँ तो उसको लगता है यार ये तो जेन्युइन आदमी, हमारे साथ तो कोई। लेकिन जब मैं इनको घुसपैठिया कह देता हूँ तब आई लूज देम, ये भी नहीं कर रहा है। इनकी परेशानी ये है कि उनका झूठ अब पकड़ा जाने लगा है, इसलिए उनको ज्यादा भ्रम फैलाने के लिए बिना सर पैर के झूठ बोलने पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, इसमें छोटा सा मैं एक सवाल और जोड़ रहा हूं कि इसमें कोई दो राय नहीं कि आपकी किसी योजना में हिंदू मुसलमान हुआ, घर मिलना है, गरीब को मिलना है, वो गरीब कोई भी हो सकता है, लेकिन 2002 से आज 2024 हो गया, हम और आप किसी सामान को खरीदने जाएंगे तो 2-3 साल के बाद शायद नहीं खरीदेंगे, कुछ नया ट्राई कर लेंगे। 22 साल से यही नैरेटिव कैसे मुसलमान बार बार खरीद ले रहा है या मान ले रहा है कि मोदी आएंगे तो मुसलमान को खत्म कर देंगे। देखिए, मैं करीब करीब 25 साल हो गए मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के नाते, और तो अगेन ही ब्रिंग्स इट बैक टू द सेम पॉइंट कि देखो मेरी स्कीम डिलीवरी में आई एम रीचिंग यू एंड इन द पास्ट मे बी यू वांट रीच्ड, अगेन नॉट एड्रेसिंग द पॉइंट वेयर एटमॉस्फेरिक क्वेश्चन का क्या गुजरात में है, आपको मालूम होगा तो स्टेटमेंट में क्यों बोलता है,
18वीं शताब्दी या 19वीं शताब्दी से रिकॉर्ड अवेलेबल है, दंगे गुजरात में होते थे उसका। 10 साल में 7 साल दंगे होते थे, 2002 के बाद गुजरात में एक भी दंगा नहीं हुआ है। 2008 में हुआ है यार। क्या आसाराम बापू वाले दंगे हुए, मेरे घर के पड़ोस में था। वो तो छोटा दंगा है। मेरे जन्मदिन था और उस दिन हमें स्कूल में होल्ड बैक कर लिया था कि आप नहीं जाओगे 1 बजे वाली बस से। फिर घर पहुंचते पहुंचते शाम के 6 बज गए थे। आसाराम बापू का कुछ अरेस्ट हुआ था तो उसके सपोर्टर ने दंगे कर दिए थे, मारकूट हो गई थी, एकदम आगजनी हो गई थी। दैट इज नॉट इंटर रिलीजियस, वो प्रदर्शन मणिपुर में दंगे, वो स्टोन बेल्टिंग मणिपुर में दंगे हुए हुए हैं, दैट इज दंगा। वो तो इंटर कम्युनिटी हो रहे हैं ना मणिपुर वाले। हाँ वही, वो दो दंगा नहीं हो रहा, ये भी तो इंटर कम्युनिटी होते हैं। यहाँ पे मोदी जी आस्क ठीक ठाक क्वेश्चन जिसका जवाब किसी के पास है नहीं, कि इंडियन कम्युनिटी में एक देयर इज दिस सेंस ऑफ फियर, इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी में एटलीस्ट कुछ है फ्रिंज एलिमेंट्स जो ऐसी बातें करते हैं कि अगर मंत्रा चैंटिंग हो रही है या आयुर्वेदा हो रहा है या योगा हो रहा है तो वो एंटी इस्लामिक एक्टिविटीज है। तो ठीक है, अगेन ही इज जस्ट जस्टिफाइंग हिज ओन स्टैंड ऑन थिंग्स। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जो हम ये जो शहर हैं ना, यहाँ पे मोदी जी से ये क्वेश्चन किया जा रहा था कि आपके अगेंस्ट लोग बहुत ज्यादा चीजें नेगेटिवली बोलते हैं, लेकिन तब भी ये कहा जाता है कि आप एंटी डेमोक्रेटिक हो, आप टायरेंट हो, आप एनार्किस्ट हो, तो उसका रिस्पॉन्स दे। इसी का कारण है कि हम पूरी तरह डेमोक्रेट है, हमारे रगों में डेमोक्रेसी है, वरना जो गालियां पड़ रही है, जिस प्रकार का जुल्म हम पर हो रहा है, चुपचाप सहते जा रहे हैं, मजबूरी नहीं है जी। दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र का पूर्ण बहुमत के साथ 10 साल से शासन, बेदाग सरकार, 13-14 साल का राज्य का मुखिया के रूप में शासन, 23 साल का लंबा जीवन, एक दाग नहीं लगा है। कोई दाग नहीं है, किसी को कोई डाउट ब्रो, क्या एक दाग तो बहुत ही साफ दिखता है भाई, वो 2002 वाला तो बहुत ही साफ दाग है। बावजूद भी ये जितनी गाली गलौज को एक आदमी सह रहा है, एक शब्द बोले भी ना सह रहा है, इससे बड़ी डेमोक्रेसी का पूरा का प्रूफ क्या हो सकता है। अभी ये वाला हो गया अपना, डेमोक्रेसी पे बात कर ली हमने, मोदी जी डेमोक्रेटिक हैं उन्होंने खुद ही बता दिया। यार ये वाला इंटरव्यू बोरिंग है, मेरे को अड्डा पसंद है। नहीं हां, नेक्स्ट सेगमेंट है भाई, 1-1.5 मिनट का फुल इमोशनल कार्ड। यस यस, बढ़िया एक्टिंग। और समय से क्या चल रहा है? ना ना, मतलब हाई लेवल पे तो सवाल पूछा जाता है मोदी जी से कि आपकी लाइफ में, जूते, हाँ, आपकी लाइफ में अब एक बहुत बड़ा मेजर चेंज आया है जो आज तक पहले नहीं था, विच वॉज द एब्सेंस ऑफ योर मदर, बिकॉज ही लॉस्ट हिज मदर रिसेंटली। तो इस इलेक्शन में हाउ इज द लॉस ऑफ योर मदर गोइंग टू इम्पैक्ट यू? करोड़ों माताएं हैं, जब मैं माँ के पैर छुए बना जाऊंगा, लेकिन मन में एक भाव भी आता है कि आज 140 करोड़ देश की करोड़ों माताएं हैं, उन्होंने जिस प्रकार से मुझे प्यार दिया, आशीर्वाद दिए, उन्हीं का स्मरण करके, और फिर माँ गंगा तो है ही है, गंगा माँ, माँ गंगा तो है ही है, तो कमी तो है, पर देख रहा हूं कि करोड़ों माताएं शायद भावात्मक रूप से मुझे हमेशा शक्ति देती रहेगी और देती रही है। शायद आज जो लोग ये इंटरव्यू देखेंगे उन्होंने इतना भावुक होते हुए शायद आपको कभी नहीं देखा होगा। आपके अभी देखा था, 1 घंटे पहले 3 बार हुआ था। माँ का जो भाव मैं देख रही हूँ, मैं भी एक माँ हूँ,
मैं समझ रही हूँ कि ये भाव क्या होता है भाई। लेकिन पहले कि किसी उसमें उसने इंटरव्यूअर को भावुक नहीं किया ना, इधर तो भाई फुल, क्योंकि ये माँ है ना, उधर इंटरव्यूअर से माँ नहीं थी ना। ये बस इसको लग रहा है कि बस ये स्लोली बोलेगी धीमी आवाज में तो मान लूंगा मैं कि ये इमोशनल शायद। और भाई इमोशनल तो हमारे होने का टाइम, हम जो कैंसिल होने वाले हैं उसके तैयार रहो, ऐसे हो ना तुम लोग। हमें भाई तो अब मेकअप मोदी जी बोले 300 सब्सक्राइबर होने के कुछ फायदे भी है भाई, कोई कैंसिल नहीं करता तुम्हें यार। मैं सीनियर मिसेस मोदी की डेथ पे से खुश थोड़ी हो रहा हूँ, मतलब दुख है मुझे वो चले गए अपने बेटे को, तो स्माइल क्यों कर रहा है, तो चाहता हूँ जल्द वापस मिल जाए। बट डोंट प्ले दैट इन इलेक्शंस लाइक। मैं तो चाहता हूँ कि बाप माँ से वापस मिल जाए जाके। और यही चीज अगर राहुल करता है जब, ठीक है कि जब अपने दादी का नाम लाता है, जब अपने फादर का नाम लाता है, तो फिर ये हो जाता है कि मतलब परिवार का नाम प्ले कर रहे हैं, तो दैट इज रॉन्ग। वो भी इमोशनली टच करने की कोशिश कर रहे हैं। एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस है, राहुल गांधी से नाविका नहीं पूछती, या तो नाविका ने पूछा कि आप मम्मी के बारे में थोड़ा कुछ। नाविका उसी ने तो राहुल की दिक्कत है ना, नाविका को उसने ना बैन कर रखा है, बुलाए तो पूछेगी। हाँ वही तो राहुल की दिक्कत है, मैं तो कह ही रहा हूँ। हाँ। अब यहाँ पे इसके एंड में मोदी जी से समथिंग ब्यूटीफुल शायद लोग बाकी था क्या ब्यूटीफुल पहली बार देखेंगे, क्योंकि आप थोड़े नहीं मजाक उड़ा पॉलिटिशियन, हमारा मेरा ही वीकनेस का, वो वीकनेस का जो भी हार्ड पॉइंट चाहिए कि नहीं लोग मजाक उड़ाएंगे मेरा। मोदी जी ने हमें भी प्रीएम्प्ट कर लिया गाइस, मैं गरीब की बात हूँ, अंतर्यामी हमने भी उड़ाया था, दुखियारों की बात है, तो मैं इमोशनल हो जाता हूँ। अब मेरी ये मेरी वीकनेस भी है, एक सार्वजनिक जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अब मैं आर्टिफिशियल जिंदगी जी नहीं सकता हूँ। मैं आर्टिफिशियल नहीं जी सकता हूँ गाइस, आर्टिफिशियल नहीं जी सकता। अब आखिरी में इस वीडियो, मतलब नाविका और उसका हो गया था कि हो गया हमारा, अचानक से आखिरी 40-50 सेकंड में मोदी जी ने मीडिया की क्लास लगानी चालू की। लेकिन आपने हमें इतना समय दिया, ये एक सेगमेंट है क्या हर इंटरव्यू का, ये एक हर इंटरव्यू सेगमेंट है कि मीडिया की क्लास लगा, थैंक यू बोल रही है, बस वो दिखाना है ना कि आपने समय दिया हमें, थैंक यू। और बेबाक तरीके से आपने मुझे जी सवालों से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन मैं देख रहा हूँ आप लोग बहुत प्रेशर में रहते हैं मीडिया में, ये एक इकोसिस्टम ने इतना प्रेशर बना दिया है कि आपको भी उनके दबाव में उनकी भाषा में सवाल पूछने पड़ते हैं, और उसके कारण देश के लिए जो जरूरी सवाल होते हैं। ये किसकी बात हो रही है, किस पूछी थी भाई, बात कर रही है? मैं नोटिस कर रहा हूँ मोदी जो भी बोल रहा है लाइक सब कुछ खुद पे अप्लाई हो रहा है ऑलमोस्ट। इकोसिस्टम ने इतना दबाव पैदा कर दिया है कि आपको भी उसी लाइन पे जीना पड़ता है, और आपको भी लगता है यार कहीं आउटडेटेड हो जाएंगे, तो मैं तो चिंतित हूँ कि देश के मीडिया को भी न्यूट्रल रहना कितना मुश्किल हो जाएगा, और या तो उनकी भाषा बोलो या तो घर चले जाओ, वरना गाली की सुनो। ये तो सही, ये हाल करके रख दिया है जी आपके पूरे क्षेत्र में। और दूसरा, देश में पहले पत्रकारिता अखबार आता था, वो मानता है पत्रकार है ना, उसकी एक वैल्यू थी, आज सोशल मीडिया से सभी पत्र उसको वो जानता है कि ये वो व्यक्ति लिख रहा है, मतलब फिर उसको लेख नहीं देता है,
उसका ट्विटर याद रहता है, जब उसके लिए सोच रहे थे लिखेगा ही, तो वैल्यू खत्म हो गई, वैल्यू खत्म हो गई जी। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि वैल्यू सिस्टम रहे, क्योंकि 30 साल पत्रकारिता में हर फेज देखा है। फिर भी हाँ, नाविका ना फ्लैग बेयरर है जर्नलिज्म की, न्यूट्रल जर्नलिज्म, ऑनेस्ट न्यूट्रल जर्नलिज्म। हाँ, कोशिश ये कर उतार के चला गया भाई। लेकिन करना वही गोरख धंधे और सबके सामने, तो स्टार्टिंग सबका वही है। थैंक यू, आपने हमें, आपको तो समय मिलना ही था जी। आपने तो अच्छा काम किया जी। आप तो पत्रकारिता के फ्लैग बेरर हो। यहाँ पे मोदी जी स्टार्ट्स विद अ कपल ऑफ वो ऑफेंसिव स्टेटमेंट्स, मतलब कि काउंटर ऑफेंसिव अटैकिंग स्टेटमेंट्स अगेंस्ट द ऑपोजिशन। तो हम दोनों तरफ काम कर रहे हैं जी जी जी। प्रधानमंत्री जी, राजनीतिक सवालों पर ये एक कांग्रेस पार्टी के निजी या कहे वरिष्ठ सलाहकार हैं गांधी परिवार के, ये सैम पिट्रोडा जी, अब बहुत कुछ कह चुके हैं और गुस्सा भी है बहुत देश में। अब कल ही उन्होंने बात की लोगों के रंग को लेकर, उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत के लोग अफ्रीकन, बट ये लेजेंडरी तो था भाई, योर स्टेटमेंट वाज सम ऑफ द क्रेजीएस्ट स्टफ आई हैव हर्ड दिस इलेक्शन सीजन यार। और इसको इन पार्टी से निकाल दिया ना उसके बाद, निष्कासित नहीं किया अभी। गुजराती भाई है, उसका ना कोई वोटर बेस होगा, उसके नाम पे वोट ना देंगे, ठीक है। एक मनीष करेगा वैसे ही फटा डोल, क्यों लोग इंटरव्यू देते हैं पहली बार, पर उसके नाम पे एंटी वोट दे देंगे ना, एंटी कांग्रेस वोट उसके नाम पे मिल जाएगा भाई। वो राहुल गांधी का मेंटर है, बीजेपी का डिकॉय है क्या, ये बता दो, बोल ही दो। अभी तो ऐसी हालत डिकॉय है भाई, अगर डिकॉय है एंड ही स्टिल होल्ड्स इंपॉर्टेंस इन द सर्कल्स ऑफ राहुल गांधी, देन राहुल गांधी इज रियली स्टूपिड। राहुल गांधी इज रियली स्टूपिड, हां मतलब इसके लिए प्रूफ की जरूरत नहीं है भाई। जैसे क्या लेजेंडरी स्टेटमेंट, उत्तर और पूर्वोत्तर के लोग चाइनीज लगते हैं, पश्चिमी भारत के लोग अरब हैं, और एक तरह रेसिस्ट कमेंट है, बहुत रेसिस्ट कमेंट। इसके पहले उन्होंने इनहेरिटेंस टैक्स की बात की, जिस पर आपने रिस्पॉन्ड किया था स्पीच पर। तो ये सब जो बातें हैं, ये रेसिस्ट प्रोफाइलिंग, अभी कांग्रेस पार्टी कहने की कोशिश कर रही है कि उनकी निजी बातें हैं। क्या आपको लगता है कि निजी बातें हैं कि एक तरह से उनकी जो अंदर की सोच है वो बाहर आ गई है कांग्रेस पार्टी? इसको अलग अलग देखें जी, आप अरब है जी, उनके नहीं, मैं तो चाइनीज हूँ, ठीक है। तो मोदी यहाँ पे यही रिस्पॉन्स करते हैं कि बहुत ऑडियंस बहुत हर्ट हुई है, बहुत ज्यादा हर्ट हुई है, मुझे हर्ट हो रहा है बिग बॉस टाइप से। नहीं, मैं चाइनीज हूँ ये भी कह दिया इसने, मेरे को अरब बोल दिया गाइस, अब क्या करूँ मैं यहाँ पे। तू तो वाइट है भाई। अरे मैं मोदी जी वाइट लोगों से बोल रहा हूँ, मैं क्या हूँ, मैं ईस्ट में आता हूँ, मैं नॉर्थ में आता हूँ भाई। उसने ही वेंट लाइक पीपल ऑन द ईस्ट आर अरब, वेस्ट आर चाइनीज, मतलब उल्टा, हाँ, वेस्ट आर अरब, ईस्ट आर चाइनीज, साउथ इज लाइक अफ्रीका एंड नॉर्थ मे बी लाइक वाइट। भाई इसका ऑपोजिट ना, मैं कुछ दिन पहले ट्विटर पे पढ़ रहा था, कोई लिख रहा था जीसस तो जाट था। हाँ तो उल्टा कैसे हुआ, जीसस भी वाइट, ये भी सेम हो गया ना भाई, इसीलिए सैम पिट्रोडा ने वो कहा था। ये तो बेस बनाया सैम पिट्रोडा ने, जाट लैंड इज वाइट लैंड। काम तो वैसे ही कर रहा था, फालतू में लोगों को लेके घूम रहा था रेगिस्तान में इसी में। लेकिन मोदी जी डज नॉट स्टॉप हियर, मोदी जी एक और आदमी को नाम क्या पड़ता है, और नॉर्थ ईस्ट के हिसाब से आप चाइनीज। अब ये मुझे याद है जी, ये चीजें बहुत गहरी चोट पहुंचाती है, बहुत चोट पहुंचाती है। और मैं उस समाज से याद क्या है, क्या
याद क्या है, किसी ने पहले भी बोल रखा है मुझे याद है जी करके शुरू किया मोदी जी ने। अरे सुन ना पूरी बात, वो उसने कहा कि चलो सैम पिट्रोदा, सैम पिट्रोदा की बात से बिल्कुल, सैम पिट्रोदा से मतलब एक और क्रेडिट फिक्स दे कि बिहार की तरह आ रहा है, बिहार का क्या होगा, हम ईस्ट में काउंट करें कि नॉर्थ में काउंट करें, कि हम कुछ बीच का मान लेंगे, चाहे नेपाल है भाई, तुम नेपाल इधर माइग्रेट करके, तुम जिधर माइग्रेट करके काम करोगे उधर के हो तुम, अभी करेंसी बचा पाएंगे बिहार मेक्सिको है भाई, तुम अपने वहां रहो तो तुम कुछ कहलाओ। उस सामाजिक आर्थिक तबके से आया हूं, तो मैंने ऐसे अपमान बहुत झेले हैं, इन कारणों से झेले, तो मुझे मालूम है ये कितना दर्द करेगा जब देश के लोग सुनेंगे। तो भाई ये मोदी जी ने क्या क्या झेला है भाई, कितने कितना मुश्किल रहा इनका लाइफ, ऐसे थोड़ी प्रधानमंत्री बनते हैं, इनको क्या बोलते हैं, वेरी गुड जॉब ऑफ टेलिंग कि उसका लाइफ कितना मुश्किल रहा है, ही कम्स फ्रॉम ओबीसी बैकग्राउंड, हां उसपे भी तो विवाद, सुन तो भी आइसोलेटेड नहीं लगता, ठीक है फिर ठीक है, कोई देश सेगमेंट में मोदी जी का चल ही नहीं सकता, होता क्या है जी, अगर मैं मुसलमान बोलूं तो मेरे देश के कुछ इकोसिस्टम पूरे कहती है मोदी ने चुनाव में हिंदू मुसलमान क्यों लाया, हिंदू मुसलमान मोदी नहीं लाया है, आपके एक्शन में हिंदू मुसलमान है तो मुझे देश के सामने आपको बेनकाब करना बहुत जरूरी है, इट इज माई ड्यूटी टू एजुकेट द पीपल, उसको अगर कोई मुझ पर आरोप लगा कि मेरी भाषण को हमने ले लिया, मैंने न मुसलमान के खिलाफ कुछ बोला है न मैंने इस्लाम के खिलाफ बोला है, मैं सेकुलरिज्म के नाम पर देश के ताने बाने को तोड़ने का जो प्रयास हो रहा है, चाहे चमड़ी के रंग पर हो, उपासना पद्धति पर हो, भाषा पर हो, ये मैं समझता हूँ कि नहीं चल सकता, और मैंने तो कल चुनौती दी है जी, तमिलनाडु के हमारे नेता बहुत उछल उछल, मोदी जी सेक्युलरिज्म के मसीहा है क्या, आपको 400 सीटें मिल जाएंगी तो लोग कह रहे हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशन बदल दोगे ये वो ये वो, तो उसमें मोदी जी जस्ट रिस्पॉन्ड बाय सेइंग दैट मेरे पास तो ऑलरेडी 400 लोग थे हाइपोथेटिकली, बिकॉज मेरे पास खुद एनडीए के अराउंड 350 के करीब के फिगर्स हैं, एंड देन मेरे गुड रिलेशनशिप्स हैं विद विद पीपल फ्रॉम आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा एंड सम अदर प्लेसेस, तो मेरे को कुछ करना होता तो मैं पहले ही कर देता, तो ये ब्लड व्हाट इज दिस, लोग क्या कह रहे हैं, ये तो खुद नहीं कह रहा था कि बड़े चेंजेस आने वाले हैं, बड़े बदलाव होने वाले हैं, खुद नहीं कह रहा था इस बारे में, बड़े बदलाव को अब नया वो दिया गया है कि जो ट्रेलर देखा ना उसमें उसके ऑन द टॉप हम लोग काम करेंगे, बड़े बदलाव को हम अनाउंस नहीं करेंगे क्या करने वाले, जस्ट इसी को और बड़े स्केल पे करेंगे इस बड़ा बदलाव, ठीक है उसको भी टोन डाउन किया गया चीजों को, ओपन एंडेड है ना, प्लेयर की बात कही यहाँ पे, अगेन इट इज अ लॉट ऑफ सेल्फ प्रेज, व्यक्तिगत तौर पे इंटरेस्टिंग ग्लोबल फोकस बहुत बढ़ गया है और अपेक्षा भी बढ़ गई है, क्योंकि ये समांतर लोग आज कह रहे हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड देर आर वेरी फ्यू पीपल हु कैन मैच द एक्सपीरियंस एंड द स्टेचर ऑफ नरेंद्र मोदी एज द लीडर ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्री, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, तो एक जिसको कहते हैं स्वीकारिता यानी कि ग्लोबल एक्सेप्टेबिलिटी नरेंद्र मोदी जी की बहुत बढ़ गई है। अब मैं जैसे यूक्रेन की बात कही तो आपको इनविटेशन वेस्टर्न ब्लॉक ने भी इनवाइट की है, जो ये पीस समिट होने वाली है यूक्रेन में, उसके बाद G7 समिट पे आप जाएंगे तीसरे कार्यकाल में, और उसके बाद इमिडिएटली उसके बाद आपका एनुअल समिट रशिया के साथ भी है, जिस पर जयशंकर जी ने पिछले बार पुटिन जी को कहा कि अगली बार प्रधानमंत्री जी आएंगे, इस बार व्यस्त नहीं आ पाए, तो एक फीलिंग होती है कि मॉस्को हो या वॉशिंगटन हो या शब्द नहीं होगा प्रधानमंत्री जी टू रिड्यूस ग्लोबल टेंशन, नहीं देता है और नहीं वो उचित होगा। दुनिया को यह विश्वास है कि भारत के चुनाव नतीजे क्या आने वाले हैं, अस्वस्थ है, और इसलिए मुझे जून महीने के इन्विटेशन आगे पड़े हैं, अगस्त के हैं, अक्टूबर के हैं, सितंबर के हैं, काम, और मैं सबको कहता हूँ भाई मेरे हाथ में अभी चुनाव, अरे बोले चुनाव तो हमें मालूम है क्या होने वाला है, आपको आना ही है। मोदी जी कॉलिंग इट विद द हेल्प ऑफ हिज इंटरनेशनल बडीज, वो अर्णव की स्माइल दुनिया वाले इसको डिक्टेटर बोल रहे हैं।
ये यानी एक प्रकार दुनिया को विश्वास है, करीब सभी समूह किसी न किसी रूप में भारत की सवाल है। ठीक है, तो एवरीबॉडी इज लुकिंग अप टू अस। ज्यादातर दुनिया के देश के हाथ में आग मिला के मैंने कहा था कि दिस इज नॉट द टाइम फॉर वॉर। जो ग्लोबल है को आर्म्स देने की भी बात नहीं करते और किसी को लड़ाई न करने की भी बात नहीं करते। अब मेरे में हिम्मत थी कि राष्ट्रपति पुतिन के साथ बैठ के आंख में आग मिला के मैंने कहा था कि दिस इज नॉट द टाइम फॉर वॉर। जो ग्लोबल आई हैड द गट्स मेनलाइन बाइडेन तो है निकम्मा। मोदी जी अभी इसमें मोदी जी एक नया खुलासा करेंगे। उस समय आप लड़ाई मत करो। अच्छा, किससे पर इसराइल को मैं समझाने, अब जिस समय अभी इसराइल में और हमास का जो चल रहा था जी, तो मैंने मेरा एक स्पेशल एनवॉय भेजा था इसराइल, और इस इसराइल को मैं समझाने के लिए भेजा था कि कम से कम ये रमादान चल रहा है, रमजान महीना चल रहा है, उस समय आप लड़ाई मत करो। अच्छा, किसी पर हमले मत करो। दुनिया को मालूम नहीं है, लेकिन ये बात ज्यादा चर्चा में नहीं है। रमादान हो गया है तो मैं आज बताता हूं। जी, बहुत बड़ी बात। मैंने स्पेशल एनवॉय भेजे थे कि रमदान हो गया तो भी पता नहीं क्या जरूरत थी, भेजा था तो भेजा था, हो गया अगर भेजा था तो रुके तो नहीं थे इसराइल वाले रमजान में भी। इसराइल वाले यूएस के तो मान नहीं रहे। अब मेरे से पूछा गया है तो मैं बता ही देता हूँ ना विस्तार से। हाँ, कि मैं तो हर वॉर रोकना चाहता हूँ मित्रों। अच्छा, बस मणिपुर की कहा था कि ये जेस्चर आपका बाकी जगह पे। दूसरा मैंने कहा कि वहां के लोगों को रमादान के समय जो सुविधा की आवश्यकता है भारत उनके लिए भेजना चाहता है, हमें कोई रुकावट नहीं। So again, reiterating on the fact that I am not anti-Muslim. I love and respect. हाँ हाँ, वो तो clear message. अब video का end again closing में इस बार मोदी जी से एक थोड़ा सा सवाल पूछा गया by Arna. में आपने interview दी थी गांधीनगर में, मैं आया था और उस interview की एक headline talking point बनी थी। आपने पाकिस्तान के संदर्भ में कहा था कि अर्नब बम बंदूक और बारूद के बीच में बातचीत, तो अभी तक पाकिस्तान का कहीं किसी ने जिक्र नहीं किया अर्नब हिटिंग द राइट पॉइंट कि भाई पाकिस्तान का क्या हो सकती है क्या। तो मेरा सवाल आपसे है, 10 साल हो गए, आपने कोई चेंज देखा है पाकिस्तान के अप्रोच में? कोई चाइना के बारे में क्वेश्चन पूछेगा क्या? ना पागल है क्या? नौकरी वोकरी रखनी है ना उनको भी। पाकिस्तान के अप्रोच में अपना दिमाग खपाना नहीं चाहिए। The reaction Arnab gives कि हाँ, मेरा prime time debate का topic, मेरा prime time बैठा हुआ है कि इंडिया पाकिस्तान rumors पे मैं, अब मैं पीरजादा को गाली नहीं दे पाऊंगा बुला के। हमें अपना लक्ष्य लेकर आगे पीरजादा आता क्यों है आरामजादा? और मैंने with reference to पाकिस्तान हिंदुस्तान को चलाने के तरीके दस दल से ताला लगा दिया, मैं वो करना ही नहीं चाहता। पाकिस्तान उन्होंने अपना अलग देश 47 में ले लिया हमसे, अब वो अपना करे, भला करे, अच्छा करे, वो अपना दो टाइम की अच्छी रोटी खा ले, बस मुझे कोई उसमें समय गंवाने की जरूरत नहीं है। हम बहुत आगे निकल चुके हैं और हमने अपना विकास उनके रेफरेंस पर करना ही नहीं चाहिए, हम अपना टाइम खराब कर रहे हैं भाई। बहुत ही मछी अप्रोच की उनको खाने दो अपनी दो रोटी, अपने को क्या है, अपना बढ़िया बूफे लगा रखा है हमने तो। तो वहां पे तो इंडिया इज स्टिल अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर कन्वर्सेशंस एंड डायलॉग। यहां से अब उनको हमारे में भी चाहिए बट वो डायलॉग में मजा नहीं आ रहा ये जब, ये जब बीजेपी उस हारने वाले स्टेज में आने लगेगी ना कि भाई अब हार रहे तब फिर से उछलेगा पाकिस्तान। वैसे अभी मनीष शंकर ने एक और इंटरव्यू दिया था पाकिस्तान के रेफरेंस में, ठीक है, वो हाइलाइटिंग नहीं हो रहा है। ओहो, मनीष शंकर को तो मैंने देखा ही नहीं है बहुत टाइम से, शक्ल ही नहीं दिखी है उसकी। हां ओके, क्या हमारे वीडियोस खत्म? यस यस। तो क्या क्या समझ आया हमको मोदी जी के ये 4-5 इंटरव्यूज देख के? व्हाट हैव वी डिसाइफर्ड? गुड परफॉर्मेंस, मतलब स्क्रिप्ट
थोड़ी रेपिटेटिव है बट हर एपिसोड में नए चेंजेस आते हैं, तो ऐसा कभी मोनोटोनस नहीं लगता। परफॉर्मेंस तो भाई की एक नंबर है। जो टाइम्स नाउ वाले में जो पैनिंग शॉट्स हो रहे थे भाई, क्या प्रोडक्शन क्वालिटी, वाह वाह वाह। एएनआई वाले के क्वेश्चन प्रिपरेशन थोड़े वीक थे, बहुत ही ओवरऑल है तो देखो मीडिया गोदी में ही। लेकिन उसका उल्टा खुद जो कर रहे हो तू कर रहा है। मोदी जी का मतलब ये है कि इफ नॉट पीएम, मैं ये कह सकता हूँ कि आजकल रणबीर कपूर के बाप बनने का बहुत ज्यादा लग रखा है ना लाइन बॉलीवुड में कि मैं मेरे को बनना है, तो वो अच्छा रोल प्ले कर सकते थे बॉलीवुड में और मे बी रणबीर कपूर को बीट ही कर देते एक्टिंग। बट ही डजंट लाइक इनके नाम लाइफ ना, और इनके नाम पे टिकट भी बिकता भाई शायद रणबीर कपूर ज्यादा ऐसा भी नहीं है लाइक अलग अलग गलत अलग अलग कैरेक्टर भी नहीं हो पाते। मोदी जी टाइप कास्ट हो चुके हैं एक ही कैरेक्टर में, बस वही प्ले कर पाते हैं मोदी जी। अरे तो अभी उनको चांस ही नहीं मिल रहा है ना। नहीं देख, एक तो जो जी ने हाईलाइट की बात और जो मोदी जी ने स्वयं एक्सेप्ट करी कि उनको आर्टिफिशियल लाइफ नहीं पसंद, ऑन कैमरा लाइफ इज आर्टिफिशियल, एंड सेकंड ऊपर वाले ने उनको भेजा है नूर के साथ, टफ डिसीजन। अच्छा अबे तो जो मैं मेडिटेशन करते टाइम जो मैं लाइक ऐसे 4K कैमरे से मल्टीपल ऐसे पोर्ट्रेट शॉट्स लेता हूँ वो आर्टिफिशियल लाइफ कहलाएगी क्या? मेरे को बंद कर देना चाहिए क्या? वो तो खींच के चले जाते हैं ना लोग। अच्छा क्या है सबको, जब वो जब मोदी जी मेडिटेट कर रहे हैं तो ही इज द चैनल, तो परमात्मा का मैसेज उनके थ्रू उस 4K कैमरा के थ्रू हम तक आ रहा है। गाइस इसी बात पे ना हम लोग आगे के आने वाले क्वेश्चंस को भी हम लोग एक बार डिसाइफर करने की डिसाइफर नहीं ऐसे प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि अभी तो सुधीर चौधरी को एक इंटरव्यू देना ही होगा मोदी जी को, एक मतलब पक्का ही होगा उसको तो मिलना ही है, राहुल कमल टाइप के लिए एक आज तक को भी देना ही इंटरव्यू। सुधीर चौधरी वाला एपिसोड ऐसे चालू होगा क्योंकि सुधीर पहले आके साष्टांग प्रणाम करेगा। सुधीर अभी भी जी न्यूज में है क्या? नहीं नहीं आज तक में जी न्यूज वाले तो पलट गए ना सुनो तो। हाँ जी न्यूज में पंगा हो गया थोड़ा। हाँ मैं तो एक क्वेश्चन अब दिख रहा है कि मेरे को आता है कि मोदी जी आपके जो फेस पे चमक है उसका फेस लाइक स्किन केयर रूटीन बता दो, वो तो आ सकता है क्वेश्चन। मेरे को याद है 2019 में जब सुधीर ने मोदी जी का इंटरव्यू लिया था तो उसने एक ऐसे जोक सुना रहा था वो मोदी जी को, उसमें उसने कहा था जोक सुनाया था कि किसी ने अलेक्सा को कहा अलेक्सा प्ले साजन जी घर आए, अलेक्सा कहते नहीं आएंगे तो मोदी ही। ठीक है तो तुम्हें कैसा लगा इंटरव्यू बता देना हमने इनफ। लेकिन मतलब एक होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखो मोदी जी डज अ डिसेंट जॉब टू रीच एवरी हाउसहोल्ड। ठीक है आप लोग कमेंट्स में बताओ आपको मोदी जी की बातें कैसी लगी, हम में से कौन भक्त कौन चमचा क्या लगा आपको सब बता दो हमें कमेंट्स में। ठीक है हाँ, और अगर कोई बात बुरी लगी हो तो ध्यान रखना कि हमने बहुत बुरी बुरी बातें एडिट में काट दी है है ना। बाकी पापा वॉर रुकवाई ना रुकवाए चैनल तो रुकवा ही सकते हैं, वी नो दैट। चलो बाय गाइस, वॉच आउट फॉर अनदर एपिसोड, हम आते रहेंगे, हम नहीं रुकने वाले। लेट्स गो इंकलाब, तेरा इंकलाब होगा भाई। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।